السلام عليكم. I believe we are live now. Let's wait for our friend Mr. Mayor to join. तो आज हम बात करेंगे किस तरह हम करंट टफ इकोनॉमिक कंडीशंस में थ्राइव कर सकते हैं इमोशनली और फाइनेंशियली, और इसके ऊपर मैं कुछ अपनी पॉइंट्स शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और हमारे साथ होंगे उमेर, हु इज अ बिजनेस कोच, हु विल आल्सो बी शेयरिंग हिज एडवाइस। सो यू विल जॉइन अस इन अ मोमेंट एंड देन वी विल बिगिन इंशाल्लाह। जब तक लेट मी शेयर। मैं वेट कर रहा हूँ उमेर का कि वो ज्वाइन कर ले। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आवाज आ रही है? प्लीज जो भी लाइव है, कैन यू हेयर मी? एंड इफ यू कैन हेयर प्लीज say yes so that I know. Assalamu alaikum Saira, minas kareem. Wa alaikum salam Saira, thanks for joining. So kya aap logon ko awaaz sahi aa rahi hai, awaaz aur visuals? Agar yes to please let me know so that we can begin. बेहतरीन। तो उमेर माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और ही इज अ बिजनेस कोच। सो बजाय इसके कि मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, मैं चाहूंगा कि हमारे उमेर भाई जो है वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। जी उमेर भाई, बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन बहुत सादा सा है। उमैर मलिक नाम है और 2010 से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। उमूमन जो एजुकेशन एमबीए है, और उमूमन समझे कि नैनो लेवल पर बिजनेस, माइक्रो भी नहीं, नैनो लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करने या लोगों को साइड हसल करने की तरफ जो है ना वो मोटिवेट भी करता हूँ। और 2017 से एक ऑनलाइन कोर्स रन करता हूं जो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस और साइड हसल के ऊपर है। जबरदस्त। तो थोड़ा हम जैसे सादा लोग आवाम के लिए जरा समझाएं ना कि ये नैनो क्या होता है, नैनो से क्या मुराद है आपकी? हाँ, एक तो होता है माइक्रो लेवल बिजनेस जो जिसके लिए भी तकरीबन समझे लाख डेढ़ लाख रुपए, 2 लाख रुपए साइड में ना, हम बोलते हैं नैनो का मतलब ये होता है कि बिल्कुल ही कोई आप फ्री में ही कोई काम अगर हो सके ना तो आप उसको शुरू कर लें। इसमें थोड़ी मेहनत, थोड़ा आपके रेफरेंसेस यूज हो, लेकिन ये है कि आप कहीं ना कहीं आपको वो उस काम से जो है ना कुछ एक साइड में आपका स्टार्ट हो जाए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि उमूमन सिर्फ स्टार्टअप पे आना ही एक मुश्किल होती है बात। वंस आप स्टार्ट कर लेते हैं कोई चीज, उसके बाद फिर उसको बढ़ाना जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं होता। वो तो फिर आप बहुत दफा मैंने देखा है कि वो फिर चीज आगे ही बढ़ती है, बस ये उसको कंटिन्यू रखना पड़ता। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा, असल में तो मैं जी जी बोले जी जी पूछे पूछे नहीं नहीं आप पूछा
अच्छा मैं चाहता कि आप रेडी हैं, आपने शेयर वेयर कर लिया जहाँ पे करना था, योर ऑल ऑल सेट टू गो। मैं बस 1 मिनट शेयर कर, मैं बस वही ले रहा था। जी। अच्छा जब तक उमेर भाई शेयर कर रहे हैं, मैं क्विकली अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ फॉर दोज हु डोंट नो मी। सो बेसिकली आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनर, अ लाइफ कोच, लाइसेंस मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ एनएलपी। यानी आप अगर मैं इसको सिंगल वर्ड में कहूँ तो आई एम इनटू द फील्ड ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन, के लोगों के बिहेवियर्स को किस तरह मॉडिफाई करके उनको एक बेहतर जिंदगी की तरफ ले किया जा सकता है थ्रू यू नो ट्रेनिंग, कोचिंग, एनएलपी, हिप्नोसिस एंड सो ऑन। सो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि आज हम बात करेंगे किस तरह आप करंट जो टफ इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें किस तरह आप इमोशनली और फाइनेंशियली थ्राइव कर सकते हैं, और उसके लिए हम दो एस्पेक्ट से बात करेंगे। कुछ हम एनएलपी के वाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ उमेर भाई जो है वो हमें गाइड कर रहे होंगे अबाउट फाइनेंशियल एस्पेक्ट, किस तरह हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। सो मैं चाहूँगा कि उमेर भाई अगर आप रेडी हैं तो मुझे बताएं सो दैट वी कैन बिगिन द डिस्कशन। जी, मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ सवाल कर लूँ, क्योंकि अच्छा। इस वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग परेशान ज्यादा हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग दो एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही एक पॉजिटिव एक्सट्रीम है कि यार कुछ भी नहीं होगा और हम सब निकल आएंगे सिचुएशन से, और दूसरी साइड पे एक्सट्रीम नेगेटिव वाली सिचुएशन है कि जिसमें वो कुछ हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कुछ काम करने की, वो बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे चलेगा। तो इस हवाले से मैं ये आपसे पहला सवाल जो ये मैं रखना चाह रहा हूँ कि इस माहौल में या इस सिचुएशन में हमारे अपने जहन का कितना काम है कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल में रख सकते। ठीक है, सही है। सो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं क्विकली थोड़े से 5-10 मिनट लेके 2-4 बातें कर लूँ, इफ यू अलाउ मी। ठीक है ना, जिसमें हम साथ साथ जो आपका सवाल है उसको भी एड्रेस कर लें, और इस हवाले से जो एनएलपी के पर्सपेक्टिव से भी हम चीज़ों को देख लें। सो मेरे ख्याल में आपके शायद डिस्कनेक्ट हुआ था। जी, अब वो तो बस यही मैं पूछना चाहता कि जो है वो उसमें अगर पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त मेंटल टफनेस की या मेंटल स्ट्रेंथ की कितनी अहमियत है इस करंट सिचुएशन को। आई हैव लॉस्ट योर मैथ, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। उमेर के साथ नेट का शायद कोई इशू है, आई होप कि उनके एंड पे होकर रिजॉल्व कर लेंगे इसको। जो बाकी लोग हैं आपको आवाज़ आ रही है, कैन यू फॉलो मी, कैन यू हेयर मी? जी, मैं आ गया वापस, माजत। असल में हमारी ना 10-10 मिनट बाद लाइट आ रही जा रही है, तो वो चीज़ें स्विच करने में थोड़ा सा वो हो रहा था। अच्छा ठीक है। अच्छा उमेर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूँ साथ साथ, और क्विकली जिन लोगों को नहीं पता उनको एक एनएलपी का इंट्रोडक्शन भी दे दूँ, ताकि उनको मैं सही तरह से कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। ठीक है ना, इट्स ओके। अच्छा तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और मुझे बताइएगा कि आपको जो स्क्रीन है मेरी वो सही से नजर आ रही है या नहीं आ रही, ताकि आई कैन प्रोसीड फर्दर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, आपको स्लाइड नजर आ रही है? लोड हो रही है। लोड हो रही है? अच्छा ठीक है जी, हो गया। शो हो रही है? जी, हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपको फुल व्यू में नजर आ रही है या? अब फुल व्यू में नजर आ रही है। ठीक है, सही है। अच्छा तो क्विकली स्टार्ट करता हूँ मैं, क्विकली उन लोगों के लिए जिनको एनएलपी का बैकग्राउंड नहीं पता। सो बेसिकली एनएलपी स्टार्ट हुई थी 1970s में, और इसके दो फाउंडर हैं रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर, और उनको बेसिकली उस वक्त वो ये रिसर्च ये कर रहे थे कि स्पेशली थेरेपिस्ट जो होते हैं जो लोगों को हेल्प करते हैं उनके साइकोलॉजिकल इशूज रिजॉल्व करने में, कि वो उन्होंने गौर किया कि बहुत से ऐसे थेरेपिस्ट हैं जिनके पास लोग जाते हैं और उनके मसाइल बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और उसी फील्ड में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके रिजल्ट इतने कमाल के नहीं होते, और लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी, लाइक जैसे स्पोर्ट्स है, यू नो बिजनेस है, एक ही फील्ड में दो बंदे होंगे लेकिन एक का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा और एक का बिल्कुल अजीब सा एवरेज रिजल्ट होगा।
तो उन्होंने इस चीज़ पे गौर करना शुरू किया कि क्या रीज़न है कि कुछ लोग एक ही फील्ड में रहते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट बड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किस तरह लोग अच्छे रिजल्ट अचीव करते हैं, किस तरह एक्सेलेंस अचीव होती है। तो वहाँ से उन्होंने कहानी स्टार्ट की और उन्होंने बेसिकली इस चीज़ को स्टडी किया कि जो लोग बेहतरीन रिजल्ट लेके आते हैं, जिन्होंने एक्सेलेंस अचीव कर लिया, उनके पीछे पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। राइट, सो एनएलपी इज ऑल अबाउट अचीविंग एक्सेलेंस, कि किस तरह आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में एक्सेलेंस को अचीव कर सकते हैं। अगर मैं क्विकली 2-4 मिनट में इसको समझाना चाहूँ तो एनएलपी में तीन टर्म्स आती हैं, एक है न्यूरो, एक है लिंग्विस्टिक और एक है प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो बेसिकली न्यूरो से हमारी मुराद है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम, और उसमें भी हम खास फोकस होते हैं हमारे 5 सेंसेस पे, यानी कि हमारे देखने का सेंस, हमारे सुनने का सेंस, हमारे टच करने का सेंस, टेस्ट करने का सेंस। राइट, तो उन हमारे सेंसेस का, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेते हैं दिमाग में, उनका हमारी सोच पे क्या अमल दखल है, बेसिकली ये चीज़ हम न्यूरो के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लिंग्विस्टिक से हमारी मुराद होती है हमारी कम्युनिकेशन, चाहे वो कम्युनिकेशन हम खुद कर रहे हैं अपने आप से किसी और के साथ, या चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो हमारी कम्युनिकेशन का हमारी माइंड पे, हमारी सोच पे क्या असर पड़ता है, और उसके नतीजे में कौन से प्रोग्राम्स हमारे अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, रन हो रहे होते हैं। जिस तरह कंप्यूटर होते हैं ना, कंप्यूटर का आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, तो इंसान के भी इस तरह के कुछ खास बिहेवियर्स होते हैं, कुछ खास पैटर्न होते हैं जो वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, बना रहा होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट यूजिंग अवर लैंग्वेज टू प्रोग्राम अवर नर्वस सिस्टम टू डेवलप मोर यूजफुल एंड बेटर पैटर्न्स, हैबिट्स और बिहेवियर्स। यानी कि हम किस तरह से कम्युनिकेट करें अपने साथ या दूसरों के साथ, जिसके नतीजे में हमारा माइंड उस तरह के प्रोग्राम्स, उस तरह के बिहेवियर्स, उस तरह की हैबिट्स डिवेलप करे जो हमें हेल्प करे अपने रिजल्ट को अचीव करने में और एक्सेलेंस को अचीव करने में। ठीक सही। है, सो अगर हम इन शॉर्ट में क्विकली समराइज करूँ तो एनएलपी में हम ये देखते हैं कि इंसान किस तरह दुनिया को परसीव करता है, उसकी थॉट प्रोसेस किस तरह रन हो रहे होते हैं, और वो जो बिहेवियर शो कर रहा होता है उसके पीछे प्रोसेसेस क्या होते हैं, किस तरह कर रहा होता है। और हमें जब वो समझ में आ जाता है तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है अपने रिजल्ट्स को, जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, उनको अचीव करना और किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करना। साथ साथ एनएलपी खुद भी मॉडलिंग के नतीजे में वजूद में आया था, जिसका मतलब ये है कि एनएलपी में उन्होंने ये देखा था कि उस जमाने के जो बेहतरीन थेरेपिस्ट हैं वो किस तरह रिजल्ट अचीव करते हैं, तो सही। उनको उन्होंने उन्होंने उनको मॉडल किया, उनसे सीखा और उसको फिर एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया। तो एनएलपी खुद भी मॉडलिंग के नतीजे में वजूद में आया, और एनएलपी के अंदर खुद एक मॉडलिंग का फ्रेमवर्क भी है, कि मिसाल के तौर पे आप भी ट्रेनर हैं, मैं भी ट्रेनर हूँ, और आप हमारी फील्ड में बहुत से ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनका रिजल्ट बड़ा कमाल का है। ठीक है, और बहुत से एवरेज ट्रेनर्स भी होंगे। ठीक है, सो ठीक है। एनएलपी में हमारा जो कोर फोकस होता है वो ये होता है कि टू फाइंड आउट कि वो जो अच्छा ट्रेनर है वो अच्छा क्यों है, और एक एवरेज ट्रेनर है एवरेज क्यों है। ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज क्रिएटिंग द डिफरेंस, इन दोनों में क्या चीज डिफरेंस है जिसकी वजह से इनके रिजल्ट डिफरेंस है। तो सही। एक बार हमें वो रिजल्ट्स, वो डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम भी अपने अंदर वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर सकते हैं जिससे हम भी एक्सेलेंस अचीव कर सके। ठीक है, सही। और इन शॉर्ट एनएलपी को हम बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने हैबिट्स को, अपनी बिहेवियर्स को तब्दील कर सकते हैं और एक बेहतर फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट में जिंदगी गुजार सकते हैं। सही। सो एक और पॉइंट जो मैं पे शेयर करना चाहूंगा वो बेसिकली ये है कि जिस तरह दरख्त में कौन से फल उगेंगे ये डिपेंड करता है उसके बीज पे। ठीक है ना, सही। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने घर में आम का दरख्त के बीज लगाऊंगा तो फिर आम का दरख्त ही उगेगा। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं दरख्त लगाऊं सेब का और फल निकले आम के। ठीक है, सही। इसी तरह इंसान जो अपने लाइफ में रिजल्ट एक्सपीरियंस करता है, जो उसको लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं, वो बेसिकली रिफ्लेक्शन होते हैं उसके इनर स्टेट ऑफ माइंड के, उसके माइंड सेट के। सही। कि जैसे इंसान के बिलीव्स होंगे, जैसे इंसान के ख्यालात होंगे, जिस तरह से वो दुनिया को देखता है उसी तरह के उसको रिजल्ट्स मिलेंगे, उसी तरह के उसके एक्सपीरियंसेस होंगे। सही। लेकिन जिस तरह होता है ना कि दरख्त को अगर हम देखें तो उसके पौधे फल तो हमें नजर आ रहे होते हैं लेकिन उसकी रूट्स नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, सही। इसी तरह इसी तरह इंसान की जो है वो हमें अपने एक्शंस पे हमारा फोकस होता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड पे फोकस होता है, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो हमारी अपनी सोच पे नहीं जाता, हमारे अपने माइंडसेट, हमारे बिलीव पे नहीं जाता। सही। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करें कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रिजल्ट्स बेहतर हों, हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकें, तो हमें बाहर की दुनिया में जवाब तलाश नहीं करने पड़ेंगे बल्कि हमें अपने अंदर जवाब ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, कि सही। हमारे हमारे अंदर, हमारे माइंडसेट में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारे बिहेवियर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बदल के एक बेहतर ज़िंदगी की तरफ लेके जाए जा जा सकते हैं। ठीक है, सही। सो यहाँ तक क्लियर है, फॉलो कर रहे हैं? जी। ज़बरदस्त। सो बेसिकली
जिस तरह एक इंसान को एक बहुत कीमती गाड़ी दे दी जाए, जैसे फरारी दे दी जाए, बुगाटी दे दी जाए, मर्सिडीज दे दी जाए, ठीक है, लेकिन अगर उस इंसान को गाड़ी चलाना ना आए, अनाड़ी आदमी हो, तो आपके ख्याल में वो क्या करेगा गाड़ी के साथ? वो गाड़ी का बेड़ा गर्क करेगा, अगर उसने चलाने की हिम्मत की तो खराब कर देगा, ठोक देगा, और या तो फिर वो डर के मारे उसको चलाएगा ही नहीं, खड़ा रखेगा। बिल्कुल ऐसी है, तो या तो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, या उसको एक्सीडेंट कर देगा, या उसको अपना नुकसान करेगा, किसी और का नुकसान भी कर सकते हैं, राइट? सही, चलाने अब इसमें कसूर किसका है, गाड़ी का है या चलाने वाले का है, वाले का 100%। राइट? तो जिस तरह एक कीमती से कीमती गाड़ी भी हो, लेकिन उसका ड्राइवर अगर जानता ना हो कि गाड़ी से काम कैसे लेना है, तो उससे उसका बेहतर रिजल्ट नहीं ले पा सकता। इसी तरह जो अल्लाह ताला ने हमें जो दिमाग दिया है, दैट्स अ वेरी पावरफुल ऑर्गन, ठीक है, हमारा जो माइंड है दैट्स वेरी पावरफुल, जिससे हम बेहतरीन रिजल्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सर लोगों को अपने मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा पता है एज कम्पेयर टू अवर ओन माइंड, कि हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है, सही, ठीक है ना? आप छोटे बच्चे को भी दे देंगे तो वो मोबाइल उठाएगा और उसकी जो सेटिंग्स चेंज कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप इंस्टॉल कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा, उसको सब पता होता है, ठीक है? सही, लेकिन हमारा अपना माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारे बिहेवियर्स किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, इस हवाले से अक्सर लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं नहीं होती, हो, ठीक है सही, ना? हमारे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है अक्सर, ना हमारे पेरेंटिंग स्ट्रेटजी में वो चीज़ शामिल है, जबकि आपके ख्याल में इसका जानना जरूरी है या नहीं है? इसका जानना मेरे ख्याल में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे पास एक चीज है और मैं उसको इस्तेमाल कैसे करूं, तो जाहिर सी जी बात है आप या तो उसको यानी उसको आप कभी भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिल्कुल और ऐसी, तुक्के लगा रहे होंगे सारी जिंदगी। बिल्कुल ऐसी है, उससे हम जो इतनी खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है, उसका हम बेहतरीन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैं पहली बात ये कह रहा था कि अगर आपका बीज आम का होगा तो सेब की तरफ नहीं निकलेंगे, इस तरह अगर आपका माइंडसेट, आपका बिहेवियर में गलत तरह के प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हुए होंगे, तो फिर आपको लाइफ में वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, सही, ठीक है? सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवर ओन माइंड, सो दैट वी कैन फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड चेंज इट द वे वी वॉन्ट। अच्छा, अब आपने बात की इमोशनल स्टेट की, जो आपका असल क्वेश्चन था उस पर मैं आ रहा हूँ, कि हमारे जो इमोशनल स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल आज के दौर में हम स्ट्रेस, एंगजाइटी, फियर बहुत से लोगों में पाया जाता है, तो उसको हम किस तरह से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं? तो उसमें पहली बात तो ये कि पहले तो हम ये रियलाइज करें कि हमारी जो इमोशनल स्टेट है, या अगर मैं सादा जबान में कहूँ कि हमारा जो मूड है वो बेसिकली फॉर्म किस तरह से होता है, ठीक है ना? किस कौन सी चीज़ हमारे मूड को इम्पैक्ट कर रही होती है? ठीक, तो ये तो NLP में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, और तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे खुद से ऐड की है। एक जो चीज़ हमारे मूड को इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो है हमारी फिजियोलॉजी, ठीक है? सो फिजियोलॉजी से क्या मुराद है? फिजियोलॉजी से मुराद है कि मैं इस वक्त बैठा हुआ कैसा हूँ, मैं उठा हुआ कैसा हूँ, मैं सांस किस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मेरी बॉडी किस तरह की है, ठीक है, ठीक मैं है, इस वक्त मेरी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की है, ये सारी चीज़ें मेरी फिजियोलॉजी में आती है, ठीक है? सही, तो जिस मेरी फिजियोलॉजी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है मेरे स्टेट ऑफ माइंड के साथ, ठीक है, ठीक है? यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कुछ देर के लिए खाली स्माइल करना शुरू कर दूं, ठीक ठीक, है, तो मेरे अंदर जो ब्लड केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक सही, है, मेरा मूड बदल जाएगा। सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज, जो भी मेरे साथ लोग हैं और मैं आप भी साथ साथ करें, ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप अपने सर सीधा रखें और ऊपर की तरफ देखें, अपनी आंखों को ऊपर कर लें, थोड़ा सा आई लेवल से अबव देखें, और साथ साथ आप क्या करें कि एक बिग स्माइल दें, आपकी बेस्ट स्माइल जो है ना, जितनी आपकी बत्तीसी नजर आनी चाहिए, ठीक है? और ये बत्तीसी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, स्माइल मेंटेन रहनी चाहिए। इस स्माइल को मेंटेन रखते हुए आप जो है उदास होने की कोशिश करें, नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड, ठीक है? आपकी स्माइल नहीं जानी चाहिए, कोई एक्सप्रेशन में तब्दीली नहीं आनी चाहिए, आपकी स्माइल बाकी रहे, और स्माइल को मेंटेन रखते हुए ट्राई टू बी सैड एंड नोटिस व्हाट हैपेंस इंस्टेड। ये तो नामुमकिन है। ठीक है, सो इट लिटरली बिकम्स इम्पॉसिबल कि आप एक वक्त में स्माइल रखते हुए उदास हो सके, राइट? सही। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा था उर्दू का, वो मुझे इससे बड़ा सिमिलर लग रहा है। वो ये था कि हम खुश होते हैं इसलिए नहीं हंसते, बल्कि हम जब भी हंसते हैं हम खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल उसका गहरा ताल्लुक है। एक तरीका यह है कि अगर आप अपने मूड को तब्दील करना चाहें, इमोशनल स्टेट को चेंज करना चाहें, तो आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर लें, ठीक है? सही, आप फिजियोलॉजी से हंसने, मुराद बॉडी लैंग्वेज, या यानी हाँ, अपनी बॉडी, हालत को चेंज कर लें, हालत को चेंज कर लें, जी, यही। बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर लें। आप उठे, घूमे फिरे, थोड़ा स्माइलिंग फेस बना लें, या विक्ट्री का पोज बना लें,
अब आप एक बहुत मशहूर टेड टॉक है बॉडी लैंग्वेज पे, वो ये बात बताती है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस तरह अपने विक्ट्री पोज बना लूं, ठीक है, सही ठीक और 2 मिनट में इसी तरह खड़ा रहूं खाली, सो मेरा जो ब्लड केमिकल रिलेशनशिप है, कॉम्पोजिशन है, वो तब्दील हो जाएगा और मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल 20% ऊपर चले जाएगा मिसाल के तौर पे। या इसी अच्छा, तरह ये अगर मैं एक टर्म यूज की है, ये हम लोग नहीं जानते। अब मैं टर्म्स की डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि इसे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट सिंपल ये है कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग, जिसके नतीजे में हमारे मूड्स और एक्सपीरियंसेस फॉर्म हो रहे होते हैं। तो कुछ ठीक है हमारे ठीक है ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामिन है और जो सेरोटोनिन है, वो हमारे किसी हम कह सकते हैं एक तरह से खुशी के पॉजिटिव हमारे इमोशंस को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक सही है। सो अगर उसके बरक्स अगर मैं मिसाल के तौर पर डिप्रेस पोजिशन में बैठ जाऊँ, अपना सर नीचे करके कंधे झुका के और 2 मिनट वैसे ही बैठे रहूँ, तो मेरे अंदर से मिसाल के तौर पर कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, सही ठीक है। तो एक बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी फिजियोलॉजी का और हमारे स्टेट ऑफ माइंड का। सो अगर ठीक है आपको कभी भी लगे कि मिसाल के तौर पे आप जो है वो उदास फील कर रहे हैं या लो इन एनर्जी फील कर रहे हैं या आप जिस ना एक ऐसी मोड में ऐसे मोड में हैं जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक सही तरीका यह कि आप अपनी फिजियोलॉजी को बदल लें, ठीक है। हंसें, सही खेलें, मुस्कुराएं, जंप करें, एक्सरसाइज करें, एंड यू विल नोटिस विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो मूड है या इमोशनल स्टेट है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी, ठीक ठीक है। जैसे आपने वो हदीस सुनी होगी ना कि अगर गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठ बैठे हो तो लेट जाओ। तो इसमें सही गौर करें, इसमें जो तब्दील हो रही है चीज वो क्या तब्दील हो रही है। फिजियोलॉजी या हय्यत। जी, सो दैट्स द मेन पॉइंट। अच्छा, जो दूसरी चीज हमारी इमोशनल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो है हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सही इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि हम बाहर की दुनिया को अपने दिमाग में इंटरनली रिप्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं और सही हम चीजों को क्या माने दे रहे हैं, ठीक है। सही यानी हम फोकस, आप ठीक है सही ठीक है, हम किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमारा फोकस किन चीजों पे, इस पे डिपेंड करता है कि हमारी मोड कैसे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं जा रहा हूँ चलते हुए और अचानक मेरा पैर टकरा जाए मेज पे, ठीक है, सही तो अब मैं इस पे 2 तरह से रिएक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मैं कहूंगा कि यार मेरे साथ ही लाइफ में ऐसा क्यों होता है, मुझे क्यों चोटें लगती हैं यार, सारी तकलीफ मुझे क्यों मिलती है, ठीक है। तो दिस इज द सही वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इवेंट इनसाइड माय माइंड, ठीक है। एंड एंड द अदर वे इज जैसे मुझे चोट लगे फौरन मैं कहूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मोमिन को एक कांटा भी चुभे तो उसके मिसाल के तौर पे गुनाह धुल जाते हैं, या राइट। तो आप जो गौर करने की बात यह है कि जब भी अगर आप उदास फील कर रहे हैं, पैनिक फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, नोट करें कि नंबर वन आपकी फिजियोलॉजी पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक सही है, उस फिजियोलॉजी को ठीक कर लें। नंबर टू ये कि आप देखें कि आप सिचुएशन को जिसमें आप हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करें इंटरनली, आप चीज़ों को माने क्या दे रहे हैं, और सही क्या ये इससे बेहतर भी इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अगर हो सकती ठीक है तो उस इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करें जो आपको हेल्प करे लाइफ में आगे बढ़ने में, जो आपको इंकरेज करे ना कि डिमोटिवेट और डिप्रेस करे, सही। ठीक है। अच्छा भाई, एक एक सवाल था कि ये जो आप कह रहे हैं ना, असल में उस वक्त तो इंसान अपने माइंड में ही नहीं होते ना हम लोग। उस जी वक्त जी तो हम लोग ये कहते हैं यार वक्त लगेगा तो हम फिर सेटल डाउन होंगे। उस जी जी वक्त जी तो हम इस बात को ना जहनी तौर पे इमोशनली डिटैच करके इसको सोचना ही नहीं चाहते हम, तो उसी में उसका क्या हल हो सकता है। देखिए उसका हल ये है कि लिव विद सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। सही लिव है लिव लिव विद सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अगर मुझसे आप पूछे कि मैंने एनएलपी को पढ़ा, उसको एक्सप्लोर किया और मुझे उसका सबसे बेहतरीन फायदा क्या हुआ, तो मैं उसको अगर मैं एक जुमले में कहूँ तो ये कहूंगा कि मेरी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, सही ठीक है। मेरा खुद पे कंट्रोल पहले से काफी बेहतर हो गया क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया ना कि मैं बिहेव कर रहा हूँ तो किस वजह से कर रहा हूँ और इस बिहेवियर को मैं किस तरह बदल सकता हूँ, सही ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गौर करें कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी सिचुएशन में हो, द मोमेंट यू रियलाइज कि यार ये सिचुएशन में मैं इस वक्त सही एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सही इस वक्त मैं गुस्से में जा रहा हूँ, इस वक्त मैं डाउन फील कर रहा हूँ, फॉरन नोट करें। और यू इट विल कम विद प्रैक्टिस, हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा ऑड लगे बट हाँ विद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इट विल बिकम नेचुरल टू यू, ठीक है। सही सो इसका अगर मैं आपको एक वर्ड में आंसर दूं आपके सवाल का तो वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस ठीक हाँ, यू है प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड इट विल बिकम नेचुरल टू यू इंशाल्लाह, ठीक है। सही ठीक और है तीसरी जो चीज़ आपके इमोशनल स्टेट को एड्रेस करती है, वो एनएलपी में खैर इसको फोकस नहीं करते लेकिन मैं खुद से ऐड किया, वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी या हमारा कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू गॉड कि अल्लाह ताला हमारी जो हमारी रूह की गिज़ा है क्या उसको हम फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है ना। सही तो अगर हमारी रूह की जो नीड्स हैं उसको हम फुलफिल नहीं कर रहे तो ज़ाहिर उसमें भी फिर हमारे अंदर सुकून और इत्मीनान हमें नहीं हासिल हो पाएगा। ठीक सो है। आप इन तीनों को चीज़ों को समझते ये हुए, जो दूध की नीड्स हैं इसको थोड़ा इस्लामिकली अगर आप क्लियर कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ एक एक और जुमला कहा जाता है ना, मौसी की रूह की गजा है, तो कहीं जी वो जी तो नहीं।
देखिए आप, जहर हमारे पास, मुझे नहीं पता कि हमारे ऑडियंस में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस बैकग्राउंड के लोग हैं, यहाँ पे हो सकता है मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग हों, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम जो हमारी स्पिरिचुअल साइड है, जाहिर है वो हम उलमा से पूछ सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं कि इसमें हमारी रूह की क्या क्या नीड्स हैं और किस तरह अपने आप को रूहानी पर्सपेक्टिव से हम एक अच्छे पोजिशन पर लेके चल सकते हैं। इस हवाले से अगर आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। नहीं, मैं तो खाली पर पूछना चाह रहा था ये। जी, तो ऑब्वियस इसके एक्सपर्ट्स हैं, जो जो एक्सपर्ट हमारी आइडियोलॉजी में आते हैं वो उलमा उलमा किराम है, उस फील्ड के जो लोग हैं उनसे आप जाएं, उनसे गाइडेंस ले तो इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। ठीक है, ठीक लेकिन है, पॉइंट है कि इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम जरूर समझें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वहाँ पे अक्सर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसमें जाहिर है स्पिरिचुअलिटी पे अक्सर इतना फोकस नहीं होता है, होता है भी तो बहुत ही डिफरेंट साइड से होता है, जबकि हमारा जो वर्ल्ड व्यू, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट, उसका एक अपना काम करने का तरीका है, राइट। तो इसलिए बेहतर ठीक, है कि आप जो रेलिवेंट एक्सपर्ट्स हैं उससे उसकी गाइडेंस लें। सही। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सी। तो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बैठा हूँ सिचुएशन में और कोरोना की वजह से मुझे पैनिक हो रहा है, मिसाल के तौर पर मैं स्ट्रेस अगर फील कर रहा हूँ तो फौरन मैं रियलाइज करूँ कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ या कहाँ पे इशू हो सकता है। इज इट रिलेटेड टू माई फिजियोलॉजी, इज इट रिलेटेड टू माई इंटरनल प्रेजेंटेशन, और मैं कहाँ पे तब्दील लेके आऊँ कि मेरा जो मसला है वो सॉल्व हो सके। ठीक सही, है, अब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो हो सकता है कि जी मैं जाऊँ और 2 रकात नफिल पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगू, मुझे सुकून मिल जाए। ठीक, ठीक है, इंटरनेट प्रेजेंटेशन की बात आती है तो मैं देखूँ कि कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन है या जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मैं किस तरह से बेहतर इंटरप्रेट कर सकता हूँ, उसका मैं क्या और माने निकाल सकता हूँ जिससे मेरे सोचने का अंदाज, मेरा मूड बेहतर हो जाएगा। सही। ठीक है, सो दिस इज वॉट यू कैन डू। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक हम NLP में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कहते हैं परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, जो कि कार्ल यंग से लिया गया है। और ठीक इसका है, मतलब, उसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जिस तरह एक प्रोजेक्टर होता है ना, प्रोजेक्टर क्या करता है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन किसी दूसरी चीज़ पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है। सही, ठीक है, जैसे हम ट्रेनिंग्स में यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर को अपनी स्लाइड्स वगैरह दिखाने के लिए, तो हम ये ठीक, बात करते हैं कि हम जो है, हमारी जो अपनी सोच, हमारी जो परसेप्शन है वो हम दूसरी चीज़ों पर, दूसरों लोगों पर और आउटसाइड इवेंट्स पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, ठीक है, सो मिसाल के तौर पर अभी आप बैठे हुए मेरे सामने, सही है, अच्छा, और अभी इस तरह हाथ रख के बैठे हुए, ठीक है, सही, अच्छा, हो सकता है हाथ रख के इस तरह इसलिए बैठे हुए हो कि आपको इस तरह हाथ कंफर्टेबल, यू फील कंफर्टेबल दैट वे। ठीक है, ठीक, लेकिन हो सकता है कि मेरी ये सोच हो कि जी जो इस तरह हाथ रख के बैठता है इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कशन। तो अगर मेरी ये सोच हो तो ये सोच मैं आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा और आपसे उसी तरह बिहेव करूंगा एज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन। सही, यू आर गेटिंग द आइडिया। जी, सो दैट्स, इसलिए मैं शुरू में जो बात कर रहा था कि हमारी अपनी सोच का गहरा ताल्लुक होता है हमारी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो हम रिजल्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि हम लाइफ में जिस चीज़ पे फोकस करते हैं उस पर हम, उसको हम ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में बढ़ती भी जाती है। सही, ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कभी आपके साथ इस तरह हुआ हो कि आप कोई नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो या कोई नया मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहे हो, और जैसे ही आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया आपको अचानक गाड़ी हर रोड पे हर दूसरी गाड़ी वही नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, ये हर दूसरे बंदे के हाथ पे वही मोबाइल फोन नजर आना शुरू हो गया, राइट। सही, सो ऐसा अक्सर हम लोग के साथ होता है। तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि हम लोग, वो चीज़ पहले भी मौजूद थी लेकिन उस पर फोकस हमने अब किया, ठीक है, और जैसे उस चीज़ पर ठीक, हमने फोकस सेट कर दिया तो हमें वो चीज़ हर जगह नजर आना शुरू हो गई। अब मसला क्या होता है कि बाद लोगों का फोकस सेट हो जाता है प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, सही, या मेरे साथ क्या मसाइल है या मेरे पास क्या नहीं है। अब वो उस पर जितना ज्यादा फोकस करते जाएंगे उनको प्रॉब्लम्स उतने ही ज्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसके बरक्स अगर एक बंदा फोकस करना चाहे कि इस वक्त मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और इस वक्त भी मेरे पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, तो वो चीज़ उसकी अवेयरनेस में, उसके ऑब्जर्वेशन में ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी और वो चीज़ उसकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगी, सही, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट। मैं चाहूंगा कि जितने लोग इस लाइफ को अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखेंगे रिप्ले उसका, वो ये नोट करें, टेक अ पेन एंड अ पेपर, और नोट करें कि पिछले 4, 5, 6 दिनों में उनका फोकस किन चीज़ों पर रहा है। क्या उनका फोकस रहा है प्रॉब्लम्स पे, इश्यूज पे एंड वॉट दे डोंट हैव इन लाइफ, या उनका फोकस रहा है कि उनके पास अभी करंट लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, ठीक है, उनके पास क्या क्या सोल्यूशन हैं और कौन सी नेमतें उनके पास हैं। जिस चीज़ सही, पे फोकस वो करेंगे इंशाल्लाह उसी हिसाब से, फिर अगर वो पॉजिटिव चीज़ से फोकस करेंगे तो उनके पास जो है वो, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बेहतर होता चला जाएगा। सही, ठीक। अच्छा, मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये लॉकडाउन के बिल्कुल दिनों पे ही बताता हूँ कि बिल्कुल हुआ ये बिल्कुल है कि जैसे जब ये लॉकडाउन हुआ ना तो यही चल रहा था कि रोजाना केसेस बढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो अब मैं 1-2 दिन तो बड़े डिप्रेस सिचुएशन थी, फिर मैंने किताबें जरा पुरानी निकाली, तो कैसर अब्बास की एक बुक है, सर उठा के जियो,
बड़ी अच्छी लगती है मुझे, तो तीसरी दफा वो मैंने पढ़ ली। अच्छा, जब मैं वो बुक पढ़ रहा था तो वो सारा डिप्रेशन एक साइड पर हो गया और मैं जो ना वो बड़ा अच्छा फील करने लगा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। फिर क्या हुआ, कल हमारे एरिया में करीब समझे कि विद इन अ किलोमीटर कोई एक और केस हुआ, कोई किसी फैमिली में कोरोना का। तो उसके बाद क्या हुआ, वो इलाका उन्होंने सील कर लिया, वो प्रेमिसेस। अच्छा, अब वो कल से फिर एक ऑफ जो है ना वो तारी है अलग है। अब ऐसा लग रहा है, जिसको देखो तो लग रहा है कि भाई इसे इसे ना हो, इसे ना हो, हमें ना हो जाए। तो वो भाई बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो वही बात है ना कि आप अगर फोकस उस पर रखेंगे, ठीक है, तो एक तो चीज़ है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है, और दूसरा चीज़ है कि आप उसको माने क्या दे रहे हैं, उस सिचुएशन को माने क्या दे रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पड़ोस में किसी को वायरस हो गया, तो उससे आप क्या नतीजा खास कर रहे हैं, ठीक है, उस पूरे इवेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं, दैट्स वेरी सही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सही सो होता है क्या है उमूमन की हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे आपने कोई सिचुएशन बताया कि जी मेरे पड़ोस में एक बंदा था जिसको करोना हो गया, ठीक है, दैट्स एन इवेंट और ए रिजल्ट, ठीक ठीक है। है। अच्छा, उसके नतीजे में आपकी कुछ फीलिंग्स डेवलप होती हैं, हो सकता है आपकी फीलिंग्स पैनिक की हो, स्ट्रेस की हो, ठीक है, और जैसी आपकी फीलिंग्स होती हैं वैसे आपके एक्शंस होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरे एक्शन कुछ और होंगे, अगर मैं बहुत डिप्रेस्ड और उदास और गुस्से में होंगे तो मेरे एक्शन कुछ और होंगे, राइट। सही और जैसे मेरे एक्शंस होंगे वैसे ही मुझे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, वैसे सिचुएशन चेंज हो रही होगी ये। सही लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो जिसपे हमारी तवज्जो नहीं जाती, जिसको हम मिस कर जाते हैं, और बेसिकली वो जो स्टेप है वो है इंटरप्रिटेशन का स्टेप, ठीक है ना। इंटरप्रेट लिए हाँ, कि इवेंट को देखने के बाद, इवेंट के नतीजे में फॉरन फीलिंग्स डेवलप नहीं होती, बल्कि डिपेंड ये करते हैं कि उस पर्टिकुलर इवेंट को मैं इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूँ, सही ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रिटेशन आपकी अलग अलग हो सकती है ना। अब अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल करोना की, उसमें अब करोना का जो हमारा चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, एक आपकी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है इस सिचुएशन में, यार करोना की वजह से मैं तो घर में कैद हो गया, सही ठीक है। अगर आप इस तरह बोलेंगे, इस तरह सोचेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल फील डिप्रेस्ड और नेगेटिव। इसके ठीक बरक्स, अगर आप इस तरह सोचेंगे कि कोरोना की वजह से मैं फैमिली से करीब हो गया, सही, तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो डिफरेंट होगा, या आपकी मुझे फीलिंग पढ़ने का टाइम मिल गया, अपने ऊपर बिल्कुल अपनी डेवलपमेंट का टाइम मिल गया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सिमिलरली, अगर मैं कहूँ जी कोरोना की वजह से सारे काम बंद हो गए, मार्केट बंद हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, इसके बरक्स आप ये भी सोच सकते हैं कि मौजूदा लॉकडाउन की वजह से मैं वो कौन से ऐसे काम है जो पहले नहीं कर सकता था जो मैं अब कर सकता हूँ, सही ठीक है ना। पहले कौन से ऐसे काम है जो मैं पहले चाह के भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब मेरे लिए करना उनके लिए पॉसिबल हो गया। सही सो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप टेक अ पेन एंड अ पेपर जब भी आपको मौका मिले सेशन के बाद, और आप लाइफ का एक एक एस्पेक्ट रहते जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपसे अल्लाह अल्लाह से ताल्लुक, सारे एस्पेक्ट्स को उठाए और वहाँ पे कम से कम 3 से 5 अपॉर्चुनिटीज नोट करें जो आपके पास अभी हैं, ठीक है। वो कौन से ऐसे काम है जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे जो आप अब कर पाते हैं, सही ठीक है। तो इंशाल्लाह से आपका फोकस जो है पॉजिटिव साइड पे सेट हो जाएगा, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। सही। अच्छा, मैं इसमें ये इसमें ए, 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 एक तो ये बात हो गई। अच्छा, जी दूसरा ये चूंकि एक आदत है हम लोगों की, आदत से जी मुराद कि हमारे माशरे में एक अरसे से नेगेटिविटी या नेगेटिव बातें चल रही हैं, और हम उसे ऐसा ही होता है कि अच्छी बात एक हो रही है और नेगेटिव बातें 10 हो रही हैं। तो अब हम इसको, एक तो तरीका आपने बताया था कि प्रैक्टिस के साथ हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। जी अच्छा, अब जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जी जी तो अगर हमने उनको उनकी केयर नहीं की या उनको इस मिजाज पे नहीं ढाला, तो अल्टीमेटली वो हमारी एनर्जी सारी उनके साथ रहते हुए और उनसे उनसे लड़ते, या इन शॉर्ट उनको समझाते हुए या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हल करते हुए निकल जाएंगे। तो हम उन्हें किस तरीके से इन चीजों पर ला सकते हैं कि भाई देखें, ये जो भी सिचुएशन हुई, जो भी कुछ हो रहा है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है ना। जी या इसमें जैसे आज कोई किसी ने बड़ी जबरदस्त से वीडियो शेयर की थी कि भाई आप ये न मत सोचें कि अल्लाह ने मस्जिदें बंद कर दी, आप ये सोचें कि अल्लाह ने हर घर को मस्जिद बना दी, कि सही हमारे घर घर इतने खराब हो गए थे, हमारे घर में इतने गुनाह थे कि अल्लाह ने हमें अब ये इस बात पे लगा दिया कि हम अपने घरों में नमाजें पढ़ें। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल वो ऐसे, जाहिर है, हर सिचुएशन का एक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये किस तरीके से समझाएं, ये मैं सवाल आपसे करना। जी देखिए, इसमें इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब भी दो लोगों के दरमियान फ्रिक्शन आ रही होती है, ठीक है ना, आप सही उसको समझाना चाह रहे हो, आपकी बात नहीं समझ पा रहा,
तो देयर हाई चांसेस कि आपका और उस बंदे के दरमियान अभी जो जैसे हम एनएलपी की जबान में कहते हैं रेपोर, वो सही से स्टेब्लिश नहीं हुआ, सही ठीक है, है सर, पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। ताल्लुक ताल्लुक हाँ नहीं बना, ताल्लुक, आसान अल्फाज में अगर आप कहें तो ताल्लुक, ठीक है, फीलिंग ऑफ कनेक्शन, बॉन्डिंग, सिमिलैरिटी, ठीक। सही, तो आप पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि अक्सर पेरेंट्स आते हैं जी कहते हैं बच्चा मेरा बात नहीं सुनता, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ठीक है, तो उनका शिकायत इस पे होती है लेकिन उनको ये नहीं सोचते कि भाई मेरे बच्चे से ताल्लुक कितना स्ट्रांग है, सही, ठीक है। सो वन थिंग यू कैन वर्क इज टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, उस बंदे से आप रैपो स्ट्रांग करें और सोचें कि ऐसे कौन से 3 से 5 काम कर सकते हैं जिससे आपको उस बंदे से रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए। जो दूसरा आप यहाँ पे काम कर सकते हैं वो ये देखें कि दूसरे बंदे का उसका मैप ऑफ द वर्ल्ड क्या है, वो दुनिया को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है, कि ठीक हमें है, से हर बंदे कुछ अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड होते हैं जिसके तहत कुछ लेंसेज हमने पहने होते हैं जिसके तहत हम दुनिया को देख रहे होते हैं, ठीक है। सही, ठीक पहले उसको समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, है, को समझने के बाद उस मैप ऑफ द वर्ल्ड पर रहते हुए अगर आप उसको समझाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे एज कम्पेयर टू कि बस आप डायरेक्टली अपनी बात उसके ऊपर ठोसने की कोशिश करें, सही। अच्छा, ठीक है। इसमें फॉर मुझे बात कंप्लीट कर। एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी से, बंदे से जो बहुत, लेट्स से कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेस या परेशान है और उसको टेंशन लगी है कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैं तो उससे बात करता हूँ, उसका मैप ऑफ द वर्ल्ड समझता हूँ, तो मेरे समझ में आता है कि अच्छा ये बंदे का इस तरह इसलिए सोच रहा है, लेकिन साथ साथ इस बंदे के नजदीक रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही, मजहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं मजहब के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा सकता हूँ। केयर फॉर एग्जाम्पल, जो बंदा कोरोना के वायरस से अगर उसका इंतकाल भी हो जाए तो वो तो शहीद है, तो वो तो एक तरह से उसका सही, जन्नत जन्नत का टिकट मिल सकता है उसको, तो इसमें कोई सही, पहचानने वाली बात तो नहीं है। तो आप अगले बंदे के मिजाज को देखते हुए, उसके मैप ऑफ द वर्ल्ड को देखते हुए, वो किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उन सारी चीज को सामने रखते हुए और अपना रिलेशनशिप उससे बेहतर बनाते हुए उस सिचुएशन को बेहतर तरह से डील कर सकते हैं। सही। अच्छा, मैं जो इसमें मतलब जो सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ। तो हमारे मैं एक बिजनेस कोचिंग करता हूँ, तो मेरे एक क्लाइंट है। जी अच्छा, उनके साथ ये होता है कि मैं उन्हें यानी समझा तो देता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त मैं उनसे उनसे उसको डिस्कस नहीं करता। तो मैं अक्सर वो करता हूँ 1 हफ्ते बाद, और 1 हफ्ते बाद जब वो उस मोड से निकल चुके होते हैं, जो भी उनका स्ट्रेस का मोड होता है या गुस्से का मोड होता है, तो उस वक्त तो वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और लेते हैं। लेकिन कुछ दफा ऐसा होता है कि वो ऑन द स्पॉट जो है ना, वो गलत डिसीजन ले रहे होते हैं। अच्छा, उस वक्त मैं अगर उनसे कहता हूँ तो वो मुझसे भी नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं रिलेशनशिप को कायम रखने और उनको सहूलत से समझाने के लिए तो मैं यही करता हूँ कि 1 हफ्ते बाद या थोड़ा थोड़े अरसे बाद उनसे बात करूँ। लेकिन उसका कभी कभार नुकसान ये होता है कि वो जो इंस्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ना, जी, वहां प्रॉब्लम आ जाती है। यानी अगर मैं इंटरवीन करता हूँ तो मसला ये होता है कि वो रिलेशनशिप मेरा उनसे डैमेज होता है, और अगर मैं इंटरव्यू नहीं करता तो वो उस वक्त एक गलत डिसीजन हो जाता है। और फिर मैं 1 हफ्ते बाद उन्हें समझाता हूँ कि देखें, ये जो डिसीजन आपने लिया था दैट वाज रॉन्ग, लेकिन जी, बाजू का तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक आ चुके होते हैं सामने। राइट राइट, तो इसमें कोई हल है या इसमें हम वही रैपो बनाएंगे फिर चलेंगे? देखिए इसमें बात यह है कि अगला बंदा कितना अंडरस्टैंडिंग है, किस हद तक समझना चाह रहे हैं। सही, आप किसी बंदे को जबरदस्ती नहीं समझा सकते, ठीक है, ऐसी है ना, यानी कि जी फॉर जी एग्जांपल बहुत से लोग होते हैं कि अपनी जो उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रियलाइज कर लेते हैं, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं, और सही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम को रियलाइज करने तैयार ही नहीं होते। सही, तो अगर वो बंदा रियलाइज करने को तैयार ही नहीं है और वो आपसे कॉपरेट ही नहीं कर, आपकी बात को सुनना भी नहीं चाह रहा, समझना नहीं पा रहा, और उसको समझा रहे हैं और बजाय उसके गुस्सा हो जाता है वो, तो जरा आप जबरदस्ती से उसको नहीं समझा सकते। तो हमारे पास सही, सूरत में आपका यही ऑप्शन रहता है कि उसको हम जितना प्यार मोहब्बत से अपना रैपो बिल्ड करते हैं उसको समझा सकें, और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझ रहा तो फिर बेहतर है कि वो लेट देम फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस, हो सकता है उनको एक दिन अकल आ जाए उसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक वक्त डिप्रेस हो गए थे क्योंकि वो जो है वो लोगों को दावत दे रहे थे लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो सही, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा उनसे, क्या कहा कि भाई देखो तुम्हारा काम है पैगाम पहुंचा देना, मैसेज दे देना, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो कि वो उनको हिदायत मिल जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला के साथ है, हिदायत वो करेगा, राइट। तो इतना हम लोगों को समझा सकते हैं, अपना बेस्ट कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, बाकी उनकी चॉइस है लाइफ में किस तरह करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, मैं चंद सवालात लेकर ही मैंने सोचा था आज आपके साथ सेशन करूंगा। एक तो यही था कि हम दूसरों को साथ में कैसे लेकर चलें, एक ये था कि हम अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, तो वो एनएलपी के इंट्रोडक्शन और एक ये था कि एनएलपी इधर कैसे इस्तेमाल हो सकती है। अच्छा, एक चीज जो मेन थी वो अगेन ये थी कि जो हम इस पूरी सिचुएशन में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स बता दें। अगर आप हमें, जैसे अभी आपने कोरोना के हवाले से बताई ना कि जो जो इसमें अगर इस वबा में चला भी जाता है तो वो शहीद होगा, तो चूंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम आम लोगों के लिए टेक्निकल जार्गन को आप
जो है ना वो सिंपल एग्जांपल्स में रख के बता दो कि भाई ठीक है। कोरोना को लेकर ही कि ये इस लॉकडाउन के अंदर क्या क्या हम पॉजिटिव लॉकडाउन के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अगर खुद ना खासा कोरोना से हो जाता है किसी को तो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, और अगर होने के बाद कोई इंतकाल कर जाता है तो क्या जी जी पॉजिटिव एस्पेक्ट, तो जी वो देखिए सर, एग्जाम्पल। जी मैं जी कुछ चंद एग्जांपल्स ले लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एनएलपी की हम डिस्कशन को यहाँ पे थोड़ा वाइंड अप करके हम जाएं फाइनेंशियल साइड पे, जो आपका टॉपिक है। ठीक है, तो लेकिन चलो देखिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, ठीक है, और आपको पता है कि रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए। ठीक है, अब एक चक्कर है कि मैं परेशान होकर बैठूँ, जी मेरा तो बिजनेस ही बैठ गया। ठीक सही है, दूसरी इसमें सोच हो सकती है कि ठीक है अभी बैठ गया, लेकिन मुझे पता है कि आज से हफ्तों चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद जब दोबारा खुलेंगे तो उस पर फिर रश भी वैसी हो जाना है। एक तो ये चीज़ इसकी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, दूसरा ये कि अच्छा मुझे मौका मिल रहा है कि मैं अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकूँ, उसमें वो चेंजेस कर सकूँ जो मैं पहले नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं डे टू डे ऑपरेशन से बिजी था। ठीक है, ठीक है ना, एक होता है वर्किंग ऑन द बिजनेस, एक होता है वर्किंग इन द बिजनेस। सही है। ठीक तो है, अभी वर्किंग ऑन द बिजनेस का टाइम है। हाँ, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बिजनेस को रिफाइन कर सके, बिजनेस के ऊपर स्टडी कर सके, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सके। और आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा चले, रेस्टोरेंट बंद हो गया, रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, लेकिन आप लोगों को इस दौरान ये तो सिखा सकते हैं कि रेस्टोरेंट का कारोबार किया कैसे जाता है। आप लोगों को ये तो सिखा सकते हैं कि जी अच्छा वेटर कैसे होता है, उसके क्या तौर तरीके हैं, इसको बिजनेस को कैसे सेटअप किया जा सकता है। मे बी यू कैन क्रिएट एन ऑनलाइन कोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग पीपल एंड मेक मनी आउट ऑफ दैट। ठीक सही है, सो आप हर सिचुएशन में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं जिससे आप ठीक उस है। सिचुएशन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यही तरह से कहूँ कि मैं भी आपका इससे आपको कुछ लेसन भी मिल रहे हैं ना। एक तो अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढे, साथ साथ आप लेसन क्या लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको सिर्फ रेस्टोरेंट था, तो हो सकता है आपको ये लेसन उससे मिल रहा हो कि इसका मतलब है कि मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होनी चाहिए। सही ठीक है, कि मैं एटलीस्ट ये ना कि खाली एक पे रिलाई करूँ, मैं कुछ अपनी पैसिव इनकम चैनल्स भी बना सकता हूँ, मैं कुछ साइड इनकम चैनल भी बना सकता हूँ। तो इस वक्त सही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ सकते हैं, या इवन ऑफलाइन अभी जो काम भी किए जा रहे हैं उनकी तरफ आ सकते हैं। जैसे कल कल या परसों यासर भाई अपने सेशन में एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर कोई बंदा लेट से कपड़े बना रहा है, उसकी फैक्ट्री बंद हो गई है, कपड़ों के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अब वो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोटेक्टिव किट्स बना सकता है, गेयर बना सकता है जो अभी जरूरत है डॉक्टरों को। ठीक है, तो सही अपॉर्चुनिटी उसके पास आ सकती है। सो इस तरह यू ठीक कैन मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, इंशाल्लाह जब अपॉर्चुनिटी से फोकस करेंगे तो आपके पास आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। सो विद ठीक दैट, मैं चाहूंगा कि हम सिचुएशन को, डिस्कशन को डिफरेंट साइड पे लेके जाएं, और मैं सही आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आप बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में रहते हुए एक बंदा जो स्पेशली फाइनेंशियली सफर कर रहा हो, ठीक है, उसके सही। फाइनेंस स्ट्रांग नहीं, उसके पास क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, अब इसमें मैं पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो मैं तकरीबन 2010 से फाइनेंस को स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं पढ़ा हुआ मैंने। मेरी एमबीए के दौरान जो थोड़ी बहुत फाइनेंसिंग पढ़ी थी, लेकिन मैंने पर्सनल फाइनेंस पे काफ़ी प्रैक्टिकल काम भी किया है, और बुक्स बुक रीडिंग वगैरह भी, और इस्लामिक साइड भी उसकी थोड़ी सी देखी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए अपनी नीड्स के हवाले से, कि जैसे मैं उस दिन आपका जो यासिर भाई के साथ सेशन था मैं थोड़ा सा सुना, तो उसमें भी मुझे एक चीज बड़ी जबरदस्त लगी जो आसिफ भाई ने कहा कि अब चिपके सब कुछ बंद है तो वो लोग, अच्छा मैं अभी बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो मिडिल या अपर मिडिल क्लास में है, तो वो लोग ये देख रहे होंगे कि उनके बहुत सारी फजूल खर्चियां भी रुक गई बिकॉज सब कुछ तो बंद है। अच्छा, अब इससे हमें सबसे पहले तो अपनी जो एक्सपेंसेस है ना उसको समझना चाहिए, क्योंकि देखें आप इसकी बहुत अच्छी सी मिसाल है, आप घर के सारे टैप्स खोल दें, सारे नल खोल दें और आप मोटर चला दें, तो इंशाल्लाह कयामत की सुबह तक भी पानी भरेगा नहीं। करेगा। सही, तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि एक्सपेंसेस कितने किस्म के होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हमें ये सिखाया जाता है कि तीन किस्म के एक्सपेंसेस हैं, आपकी नीड्स हैं, कंफर्ट्स हैं और लग्जरी हैं। उर्दू में जरूरियात हैं, आसाइशें हैं जिसमें थोड़ी सहूलत मिल जाती है, और तायुश है, ऐशो इशरत है जिसमें ब्रांड नेम लग्जरी तो होता है लेकिन एक्चुअली आपको कोई इतना खास बेनिफिट भी नहीं मिल रहा होता। तो कोशिश ये करें कि जहां पर हम नीड्स पे चल सकते हैं तो वहां पे हम नीड्स पे चलें, और अगर हम कंफर्ट्स पे भी चले जाएं, चूंकि उसमें हमें प्राइस पे करने के ऊपर कुछ अच्छी चीज भी मिल रही है, क्वालिटी के प्राइस हम दे रहे हैं, तो वो भी ले लें। लेकिन अगर हम ये लग्जरी चीजों की तरफ जाते रहेंगे तो मसला होगा। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है भाई क्या लग्जरी है क्या नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका इस वक्त करंट इनकम लेवल क्या है। हो सकता है कोई गाड़ी आपके लिए लग्जरी हो लेकिन किसी की इनकम आपसे 10 टाइम्स हाई हो, तो हो सकता है उसके लिए वो कंफर्ट में आती हो, सही वो उसे आराम से अफोर्ड कर सकता हो। तो इस डिफरेंस को सबसे पहले समझना होगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मैंने एक मसला देखा
ये अपने 10 साल के इस सफर में, जिसमें मैं खुद भी चीजें सीख रहा था, और खासतौर पे ऑनलाइन कोर्स लाने के बाद तो काफी लोगों से डिस्कशन होता है, क्योंकि वो एक ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है ना, तो उसमें फिर जब वो लोग डिस्कशंस करते हैं तो इसमें देखा कि जो हमारे मिडिल क्लास है ना, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे, जो अपर मिडिल है या रिच साइड पर है ना, उसके पास पैसा बहुत है, और जो लोअर साइड है उसे पता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी अपने एक्सपेंसेस को रोक के रखा हुआ। अच्छा, ये जो मिडिल क्लास है ना, ये अपर क्लास को मैच करने की ख्वाहिशों में रहती है और इनकम लेवल वो होता नहीं है। तो कितने लोग ऐसे हैं, मैंने अभी एक सवाल पुट किया अपने फेसबुक पेज पे 2 दिन पहले, कि अगर आज आपके सारे आमदन के जराए रुक जाएं, तो आप कितने महीने बिना कर्जे के रह सकते। तो वजी भाई जवाब ऐसे थे, 7 दिन, 15 दिन। एक बंदे का सिर्फ आया था 5 साल, वरना किसी का 1 महीना, 2 महीने। अच्छा, कुछ ने तनकीद करना शुरू कर दी कि रिस्क तो अल्लाह की मर्जी का होता है और आप इस किस्म के सवाल ना करें। तो मैं सिर्फ ये अवेयर करवाना चाह रहा था लोगों को कि हम फाइनेंशियली कहाँ खड़े हैं। सही जैसे जुनेद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अपने बयान में, उनसे उनसे मैंने सुना कि अमेरिकन सोसाइटी जो है ना, उसमें किसी ने उनसे कहा कि वी आर टू पे चेक अवे फ्रॉम आर बैंकरप्सी, यानी 2 महीने की सैलरी रुके तो वी आर गॉन। और इस वक्त यूएस का हाल हमसे ज्यादा बुरा है, ऐसी ऐसी है क्योंकि वो अभी तो रिसेंटली ट्रम्प ने अनाउंस भी किया है कि वो $1,000 पर एडल्ट जो है वो लोगों को दे रहे हैं, और बच्चों को $500 दे रहे हैं। राइट तो यूएस की सोसाइटी को हमने फॉलो करते हुए, ब्रांड्स के पीछे भागते हुए हमने ये चीजें चलाई। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा लोगों से कि भाई इसको जब तक आपने नहीं रोका ना, तो अच्छा ये इस वक्त एक बहुत बड़ा आपके सामने, समझे कि एक अल्लाह ताला ने एक लिटमस टेस्ट दे दिया आपको, आपको समझ आ जाएगा कि भाई हम इनके बगैर रह सकते, इन चीजों के बगैर। व्हाई डोंट, अच्छा इन चीजों के बगैर जब हम रह सकते हैं, तो हम अब इनको, इस पैसे को बजाय उधर वेस्ट करने के, इधर इसको सेव करना शुरू करें। तो इनकम बढ़ाना एक, इट्स अनदर प्रोसेस, और उस आई वी इनकम को सही से इस्तेमाल करना, इट्स अनदर प्रोसेस। अच्छा उमर, इसमें देखें जो मेरी असेसमेंट है सिचुएशन की, कि अब इस दौर में काफ़ी हद तक लोगों की लग्जरीज तो कम हो गई होंगी ऑटोमेटिकली, सिचुएशन इस तरह की है, बाहर खाना पीना और उनके जो खर्चे ऑटोमेटिकली श्रिंक होना शुरू हो गए होंगे, सही तो श्रिंक भी कर सकते हैं, एवेल्युएट भी कर सकते हैं कहाँ पे वो वेस्ट कर रहे थे मनी को, सही और उसके साथ साथ जो फोकस होना चाहिए वो भी ना कि हम किस तरह अपनी इनकम को बेहतर बना सकते हैं इस सिचुएशन में ठीक रहते हुए। उस वाले से आप क्या है। सजेस्ट करेंगे? हाँ, मैं इस पे एक दो बातें और कर लूँ, फिर मैं जी आगे जी चलता हूँ बिल्कुल इस पे। बिल्कुल मैं एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से करता हूँ, वो ये होता है कि मैं ना अपने रोज के खर्चों के 4 कैटेगरीज बनाई हुई है मैंने। एक है रेगुलर एक्सपेंस, एक है एमरजेंसी, एक है सत्ता, और एक है सेविंग। ठीक तो है अब मैं रोजाना की बेसिस पे वो लिख रहा होता हूँ कि क्या मेरे मंथली, और फिर वो वीकली मैं उनकी क्लोजिंग कर लेता हूँ कि क्या मेरे रेगुलर एक्सपेंस थे, क्या इमरजेंसी हुए, सॉरी एक जंक का भी होता है कॉलम, कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस थे जो यूजलेस थे। तो उससे मुझे हमेशा आप मुझे एक रिपीट दोबारा एक बार रिपीट कर दें कैटेगरीज दोबारा ताकि करता मैं हूँ। उनको। 4 कॉलम है, रेगुलर एक्सपेंसेस, नंबर सेकेंड है इमरजेंसी, ठीक है, नंबर थर्ड है जंक या यूजलेस एक्सपेंसेस, एंड नंबर फोर्थ है सत्ता। ठीक है, तो इन चारों अगर हम रोजाना के बेसिस पे लिखें और वीकली इसको क्लोज कर लें, तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि हमारी इनकम का कौन सा पोर्शन किस तरह। इसमें ठीक सॉरी है, एक चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, रेगुलर आपके एक्सपेंसेस में आपका जो सेविंग्स भी उसी में आती है, सेविंग का अलग हेड है सेविंग का अलग है, वो फिर मंथ के एंड में जो बचेगा वो सेविंग में चला जाएगा, तो फिर ये 5 होगा ना बेसिकली, रेगुलर एक्सपेंसेस, इमरजेंसी, जंक, सेविंग और सत्का। सेविंग हो सकता, 5 हो गए। ठीक है सही जी असल में कंटिन्यू वो 5 जो सेविंग वाला है ना, वो तो मंथ के एंड में खुद आ जाएगा ठीक जो है सही अमाउंट सेव हो जाएगा ना, अगर रोजाना की बेसिस पे आप नहीं कर रहे। एक तो ये बात थी, और यानी ये सेविंग वाले एस्पेक्ट्स पे एक ये बात थी जहन में, और एक ये वाली थी, कौन सी, नीड, कंफर्ट और लग्जरी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इस मौजूदा वक्त में हम इनकम को बढ़ा किधर सकते हैं। तो देखिए, हर दफा ऐसा होता है इकोनॉमी में कि जब कुछ चीजें डाउन हो रही होती हैं, तो एट द सेम टाइम कुछ चीजें अप हो रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चेंजेस हमारी सोसाइटी में 2-3 साल बाद आने वाली थी, डिजिटलाइजेशन, वो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो रैपिडली आ गई, या एकदम रैपिडली वो चीजें हो जाएंगी। अच्छा, और मुझे नहीं लगता कि इस लॉकडाउन के खत्म होने के बाद भी हर बिजनेस दोबारा उस तरीके से उठ पाएगा, खासतौर पर हमारा एजुकेशन का जो काम है,
क्योंकि मैं 8-10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ और कोचिंग सेंटर्स में भी कंसल्टिंग कर रहा होता हूँ, तो हो ये रहा है कि टीचर्स की एक हर्डल थी कि वो जूम पे और ऑनलाइन चीज़ों पे नहीं आना चाह रहे थे, और स्टूडेंट को भी एक रिजर्वेशन थी, लेकिन अब वो रिजर्वेशन खत्म हो गई, वो टीचर की भी खत्म हो गई और वो स्टूडेंट की भी खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें करेक्ट. हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि हम आगे जब जा रहे हैं तो अब इसमें होगा ये, बल्कि अभी भी रिसेंटली ये देखने में आया कि एकदम से इंडिविजुअल टीचर्स के यूट्यूब चैनल्स और उनके जूम के सेशंस ऊपर जा रहे हैं, और जो ट्रेडिशनली बिजनेसेस चल रहे थे वो एकदम से, यानी कोचिंग सेंटर्स, वो एकदम से नीचे आ रहे हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा डिजिटल वाली साइड को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर लोग इसको कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज जब लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और ये चीज़ें हर कोई चला सकता है, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना, तो अब उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में भी यूज करना सीख लेना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, जब यहाँ हम पे तला आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर आपने आजाद चाय वाले की वीडियो देखी है, आप उससे एग्री करते हैं, उसकी जो कंपनी आप समझते हैं कि वो फायदेमंद है, इस वाले सब क्या कहेंगे इफ यू नो हिम? ना, मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, 2010 में एक स्कूल में थे ये, और उस वक्त मैं स्कूल टीचर था। अच्छा, तो तलब में मेरा जवाब ये है कि आजाद चाय वाला, देखिए 100% तो कोई भी इंसान नहीं होता, तो आजाद चाय वाला से बहुत से लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि ये छोटे छोटे ऑनलाइन कोर्सेज का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहरहाल एक 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 लॉन्ग टर्म डिग्री से मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर मिल जाता है। तो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि आजाद चाय वाला की, अगर आप देखिए असल चीज है इम्प्लीमेंटेशन, आप आजाद चाय वाला को छोड़े, आप किसी की भी कोई एक वीडियो भी उठाकर आप उस पर सही से इम्प्लीमेंटेशन कर लें, तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट हमें मिल ही जाएंगे। अच्छा, अच्छा, मुझे अब ठीक अलाउ करें तो मैं इस पे एक दो पॉइंट्स ऐड करूं. जी। अच्छा, जब आपने बात किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं कभी कभी अपने वर्कशॉप में भी शेयर करता हूँ एजुकेशन के हवाले से, कि अक्सर लोग ये पूछो कि आप अपने बच्चों को तालीम क्यों दिलवा रहे हो या क्यों पढ़ना, तो कहते हैं जी पैसा कमाने के लिए, वो कैरियर परसू करेगा और पैसा कमाएगा. दिस इज देयर मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आज के दौर में लोगों का बन गया है. ठीक है, जब वो ये जवाब देते हैं तो मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन ये करता हूँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको आपके बच्चे को पढ़ने में कितना टाइम लगता है बिल्कुल जीरो से. ठीक है, तो सही, आजकल तो आपको पता है ना कि 3 साल 4 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं वो. ठीक है, प्री 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 पता नहीं क्या. ठीक है, और वो जाता है मास्टर्स तक, तो उसको कम से कम भी 20 साल 21 साल लगते हैं पढ़ाई मुकम्मल करने में. बिल्कुल। ठीक है, अच्छा फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में एक बच्चा जो मिडिल क्लास में है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहा है, उसको प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट ट्यूशन है, सब कुछ प्राइवेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, उसका इन 20 21 सालों में तकरीबन खर्चा कितना आएगा जो एक मिडिल क्लास का अच्छे स्कूल में पढ़ के निकला है? ठीक सही है, तो उस पर जो यूजुअली जवाब आता है वो आता है 30 से 40 लाख के आसपास कम से कम, अगर अच्छी जगहों पे पढ़े. ठीक है, उसकी फीस, आप ट्यूशन फीस, स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, सारी कॉस्ट अगर आप ऐड करेंगे ना तो यूजुअली इतने में आती है, क्योंकि अभी तो अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए भी खाली आपको पता है मास्टर भी 10 15 लाख में होता है कम से कम. ठीक आराम से। है, अच्छा तो मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे ने 20 21 साल तालीम हासिल की, फिर उसने अपने जो है वो 40 लाख रुपए लगाए. ठीक है, अब मुझे बताएं कि उसको तनख्वाह कितनी मिलेगी पहली नौकरी में? तो अमूमन जो जवाब आता है वो आता है जी 20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार. ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग सही होती है. सही तो आप सोचें एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपके बच्चे के 20 साल लग रहे हैं, अगर मैं खाली इन टर्म्स ऑफ आरओआई बात कर रहा हूँ. ठीक है, मैं बाकी सारी चीजों को इग्नोर करती हूँ. हम इसके पैसों का अगर जी, अगर मैं 20 साल लगाऊं और फिर 40 लाख रुपए लगाऊं, उसके बाद जाके मुझे 25 हज़ार रुपये रिटर्न मिलेगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को तो कोई भी इन्वेस्टर फाड़ के फेंक देगा. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जो मैंने 40 लाख लगाए हैं पहले, तो मुझे उसको रिकवर करने में मजीद 10 15 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो मेरा पहला प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमा रहे हैं ना भाई, तो फिर डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट. अगर मकसद, हाँ अगर मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में जाना है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो फिर आरओआई डिग्रीज का बहुत ही आपके लिए नेगेटिव में जाता है. अगर आपको पैसा कमाना है, आप 6 महीने का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करें, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करें, आप 6 महीने बाद कमाना शुरू कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू वेट फॉर 20 ईयर्स और सो जो प्लीज कंटिन्यू. अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था कि इस वक्त डिजिटल वर्ल्ड जो है ना वो एकदम से उठ रही है। अच्छा, अब डिजिटल वर्ल्ड को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था लोगों से कि जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उसमें दो हिस्से हैं, या तो आप फिजिकल प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आपका प्रोडक्ट ही डिजिटल होता है। अच्छा, अब इसमें सीन ये है कि अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आप ऑर्डर्स तो ऑनलाइन ले सकते हैं,
पूरी दुनिया से ले सकते हैं अगर आप अमेजोन के थ्रू कर रहे हैं, FBA जो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। अच्छा बाय द वे अमेजोन ने 1 लाख जॉब्स ये इसी पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर लॉन्च किए हैं, जिसका मतलब एक इंडस्ट्री अगर नीचे आ रही है तो दूसरी साइड पे एक इंडस्ट्री उठ भी रही है। अच्छा एक तो ये है कि आप उसमें अगर आप लोकली करना चाहते हैं तो आपने कोई भी प्रोडक्ट ली, उस प्रोडक्ट की अच्छी सी फोटोग्राफी की, उसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे Daraz.tk की तरह या किसी और जगह पे आपने रखना है और उसकी डिलीवरी आपको देनी पड़ेगी। तो वहां पे आपको थोड़ा सा इशू कहाँ पर आएगा, डिलीवरी पे, क्योंकि वो फिजिकल, ठीक है। अच्छा उसके बरक्स अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बना लेते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि रेस्टोरेंट ओनर्स अगर ऑनलाइन कोर्स बना ले कोई, ठीक है ना, या वो लाइव जाकर ऑनलाइन पढ़ा लें, किसी को कोचिंग कर लें किसी की, तो उसमें ये है कि आपका ऑर्डर प्लेस भी डिजिटल होगा और उसको डिलीवर भी आप डिजिटली कर सकते हैं और उसमें उमूमन कॉपी पेस्ट की कोई कॉस्ट नहीं होती। तो इस वक्त वो लोग जो मतलब हर इंसान के पास कुछ ना कुछ है, जैसे रेहान अल्लाह वाले हमारे, वो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी डाल दें यूट्यूब पे, जो आप अपने दादा दादी की सुनी हुई कहानियां डाल दें, लेकिन कुछ भी डालें आप कंटेंट डाल। अच्छा तो आप हर इंसान के पास कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी कि वो उसको सम अप करके कोई उसका डिजिटल प्रोडक्ट बना। अच्छा पाकिस्तान में ऑनलाइन कोर्स है या और कुछ चीजें, तो ये चीजें आप रख सकते हैं एक जहन में, ठीक है। इससे ये फायदा होगा कि आपका ऑर्डर भी वहीं पे प्लेस होगा और चीजें भी। अच्छा मैं इसको प्रोसेस को आपके सामने रख देता हूँ बहुत सिंपल, क्योंकि हर कोई इतना टेक्निकल नहीं होगा ना, तो इंतहाई आसान तरीके का रही है आजकल के दौर में, तो बहुत ही समझने के आसान है। आपको बस ये करना है कि जो भी आपका एरिया है उस पर आपने पहले तो आपकी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसा हो कि कुछ समथिंग न्यू जो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, कुछ कोई ऐसी चीज हो जो सामने वाले को आप दे सकें, ठीक है। और आपने अब ये अगला काम क्या करना है कि आपने वो चीज़ ऑफर पे लगा देनी है, उसमें आप एक नॉर्मल सी प्राइस लोगों से चार्ज करें, जूम है बहुत सारी चीज़ें, उसमें जाएं लोगों के प्रॉब्लम्स को सुने और अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए लोगों का एडवाइस करना शुरू करें। तो मुझे अल्लाह की जात से बहुत उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ उसमें सिलसिला जो है ना बन जाएगा। जैसे अभी टीचर्स हैं हमारे यहाँ, तो बहुत सारे टीचर्स ने ऐसा किया कि जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, अब चूंकि शायद से बात है किसी भी इंस्टीट्यूट में क्लासेस नहीं हो रही, और अगर कोई इंस्टीट्यूट ऑफिशियली ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहा तो टीचर्स ने पर्सनल लेवल पर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। अब उसमें अगर टीचर अपने सब्जेक्ट पे टीचर की सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है और वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बच्चों को समझा सकता है, तो वो टीचर जो कल एक लेट सपोज स्कूल कॉलेज या कोचिंग सेंटर का टीचर था जिसके सामने 40-50 बच्चे थे, नाउ अगर वो सिर्फ उर्दू और हिंदी भी जानता है तो पूरा इंडिया पाकिस्तान उसकी ऑडियंस, और अगर वो अंग्रेजी भी जानता है तो फिर तो 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज भी उसके ऑडियंस में आ गए, तो आपकी रीच ऐसी बढ़ती है कि आप सोच नहीं सकते और कहां कहां से आप ये चीज। जी जी आप ऐड करना चाहूंगा, एक लोगों की मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे किसी और को, लेट्स से अगर मैं ऑनलाइन कोर्सेज की बात कर लूं, लोग ये समझते हैं कि अगर मुझे किसी फील्ड का कोर्स बनाना है तो मुझे उसका सबसे मुझे सब सब पता होना चाहिए उसका। नहीं नहीं ये तो कोई बात ऐसा नहीं है। अगर आपको मेजॉरिटी से 10% भी ज्यादा पता है, यू कैन टीच दैट, यू कैन हेल्प देम गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू रियलाइज। और मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन में ना हमें सामने वाले से इनपुट ज्यादा लेने होते हैं, जैसे हम लोग कोचिंग में कहते हैं ना कि कोचिंग कानों से होती है, जबान से नहीं होती। तो हम अगर अपने स्टूडेंट की बात को सुन के उसको ज्यादा अच्छा फैसिलिटेट कर सकते हैं तो शायद हम उस सब्जेक्ट में टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना हो, लेकिन हम उसे तो हेल्प आउट कर सकते हैं ना। अच्छा मैं अगर अपना बताऊं तो जब मैं चीजों को लेकर ऑनलाइन आया 2017 में, तो मुझे फिर दुबई से भी स्टूडेंट्स मिले, मुझे इंडिया से भी कुछ मिले, मुझे अमेरिका से भी मिले, तो मैं तो सोच रहा था मैं कहाँ मैं एक जो है वो स्कूल कोचिंग या कॉलेज का टीचर था और कहाँ मुझे दुनिया भर से स्टूडेंट्स मिलना। तो ये चीज है वन साइड अगर ये आ जाती है, अगर आपका टीचिंग वाली साइड पर काम है। बाकी जो फ्रीलांसर्स हैं वो ऑलरेडी, अब अगर कोई यहाँ लेट सपोज पाकिस्तान में किसी कंपनी में या किसी प्रिंटिंग प्रेस में कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है लड़का, अब उसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, थोड़ी सी वो अंग्रेजी अगर अपनी बेहतर कर ले, किसी दोस्त जिसको अंग्रेजी आती है उसके साथ मिलके ये लोग फाइवर पे काम करना शुरू करें, तो दे कैन कन्वर्ट देयर इनकम इनटू डॉलर्स, ठीक है, और वो यकीनन 100% उस प्रिंटिंग प्रेस पे बैठ के जो वो 8-10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है उससे ज्यादा ही
जो है ना वो कमा रहा होगा। अच्छा तो इसमें ये एक और चीज है मेरे ध्यान में आया, मैं भूलना चाहूँ, वो ये है कि एक कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग, प्राइवेट ठीक है, लेबलिंग। जी यानी कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग्स हो, इवन वो बनी बनाई रखी होती है, आपने क्या करना होता है, यू कैन परचेज देम और उस पर उसको आप अपने नाम से बना के बेच सकते हैं, ठीक है। तो फॉर बिल्कुल एग्जाम्पल कुछ कोर्सेज हो गए, कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट्स हो गए, कुछ सॉफ्टवेयर हैं, आपने बस उनका लाइसेंस खरीदना है, जो कि बहुत से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं होता, और वो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप उसको सेल कर सकते हैं अपने नाम से। ठीक है। अच्छा ये तो उन लोगों के बारे में आ गए जो थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं और उनको कैमरे पे आने में या किसी को पढ़ाने में कोई जो है ना वो मसला नहीं। अच्छा फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि हमारा ये नेचर नहीं और हम इस साइड पे नहीं आ सकते, हम पढ़ाने वाले काम पर या टीचिंग या कोचिंग वाले काम पे नहीं आ सकते। तो फिर हमें ये देखना होता है कि इस मौजूदा वक्त में क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने ही मोहल्ले में हमने एक एक बंदा था, उसने रिसेंटली जो है ना वो ये लॉकडाउन से कुछ दिन पहले ही उसने एक रेस्टोरेंट खोला था, लेकिन वो था बड़ा अंदर गलियों में। तो अब क्या हुआ, ये लॉकडाउन जब सबका हो भी रहा था तो वो क्लोज शटर्स में काम कर रहा था और वो लोगों के घरों पे सही चीजें डिलीवर कर रहा है। अच्छा वहाँ फिर उसने भी बंद कर दिया। अच्छा उससे फिर हमें आइडिया आया, तो मेरा भतीजा है छोटा ना, वो मेरे साथ बड़ा इन्वॉल्व रहता है चीज़ों में, तो मैंने उससे कहा यार देखो हमारी तो क्लोज फैमिलीज ही इतनी सारी हैं और मोहल्ले में इतने अच्छे से हम लोग हैं, लोग सिंगर नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत अच्छे से लोग हैं परेशान, सही तो सामान तो मिल रहा है। तो हमने 1,000-2,000 रुपए के थोड़ा सा सामान ला के एक्सपेरिमेंट किया 10-15-20 जिंगर्स का, और वो पहले उनका पहला दिन था एक्सपेरिमेंट का, वो 6-7 कल भेज दिए उन्होंने। तो जबरदस्त। आपने अब मतलब आपने कोई सब्जी वाली एग्जांपल भी शेयर की थी किसी मोहल्ले के कुछ साथ वो हम मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी। वो क्या थी, वो अभी लॉकडाउन में नहीं थी, अब हो सकती है लॉकडाउन में। वो हमारे सर ने ये किया कि उनकी किसी से बहस हो रही थी खानदान में कि सब्जी महंगी मिलती है, तो वो एक दिन चले गए सब्जी मंडी सौराब गोट वाली, और उन्होंने देखा रेट में तो 1:3 का डिफरेंस है, यानी 100-150 वाली चीज 50 की है। तो वो लेकर आ गए अपने घर वालों के लिए सबके लिए। फिर उनको आइडिया आया कि यार मैं क्यों ना इसको और लोगों को भी दूं, तो उन्होंने अपने मोहल्ले में ही 15-20-25 लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया और उनको कहा कि भाई मैं 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस दूंगा और मैं आपको मार्केट रेट से कम पे दूंगा। अब वो क्या करते हैं, पूरे हफ्ते में कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सैटरडे के दिन वो लिस्ट देते हैं ऑन प्राइस और रात को ऑर्डर्स बुक हो जाते हैं, सुबह जाते हैं। वो 25,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, किसी के साथ जाते हैं 2-3-4 घंटे का काम है, वापस आते हैं और वो शाम तक लड़के उन्होंने रखे हुए वो लड़के डिलीवर कर लेते हैं और वो 35,000 रुपये उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो दस हजार रुपये की इनकम। अच्छा अब ये मेरे सर को इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि उनका अपना स्कूल है, तो वो अच्छी अच्छी इनकम है उनकी, लेकिन वो इसको उस 10,000 की इनकम के लिए उनको कितने घंटे काम करना पड़ा? 4 से 5 घंटे देखिए अब यानी कि वो महीने में 4 से 5 घंटे लगा के एक्स्ट्रा 10,000 कमा रहे, अगर वो 20-25 घंटे लगाए तो वो 30-40 हज़ार तक भी जा सकते हैं। नहीं, हफ्ते में लगा रहे ना वो, वही मैं कह रहा हफ्ते हूँ कि में। महीने महीने में अगर वो रिपीट करे इस चीज को, चार चारों हफ्ते काम करे, जी, वो 4 हफ्ते कर रहे हैं, ठीक हर है वीकली बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक तो है। अच्छा उनका ये आइडिया था कि मैं इस प्रोसेस को पहले बना लूं और फिर मैं किसी से शेयर कर लूं ताकि दूसरे लोग करें। अच्छा मैं इसमें फिर वहीं पे आके सवाल ये रखता हूँ कि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो इंसान जिसकी इनकम ही 25-30 हज़ार और उसको अगर सिर्फ संडे संडे काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि भाई वो सिर्फ संडे संडे ये काम कर ले और वो 40,000 रुपये बना सकता है हर संडे को 10,000 रुपये के एवरेज से, तो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस ना। अच्छा एक चीज दूसरा ये कि ये तो सिर्फ 20 कस्टमर्स के ऊपर हो रहा है ना काम, ये कस्टमर्स बढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना, और आप रीसेलर्स भी बीच में ला सकते हैं, मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत आराम से हो जाती है, जैसे अभी अब हमने रमजान में क्या किया था कि कुछ लेडीज को हमने देखा जो घरों में सिलाइयां करती हैं, अब उनको अच्छा वो हुआ ये था कि मुझे पता चला कि उनको सिलाई नहीं मिल रही आजकल ना थोड़ी, उन्होंने घर शिफ्ट किया था तो यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, ये पिछले से पिछले रमजान की बात। तो मैंने क्या किया, मैंने उनकी कुछ पोस्ट वगैरह बनाई, उनके एरिया का नाम लिख दिया और मैंने वो शेयर करना शुरू कर दिया लोगों से कि भाई इस एरिया में ये खातून आपके घर से आके पिक करेंगी और आपके घर पे आके डिलीवर करेंगी। तो लोगों को ये आसानी लगी कि यार हम दर्जी ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं और ये ऐसी लेडीज टेलर हैं जो घर पर आके पिक भी कर रही हैं और घर पर वापस लाके डिलीवर भी कर रही हैं। तो वो आइडिया उनके लिए क्लिक कर गया। अच्छा ये अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी ये नैनो बेस्ड आइडियाज है, यानी हाँ 20-25 हज़ार वाले जिनको
यानी जैसे अभी जिंगर बर्गर वाला 2000 रुपए का आइडिया था, अच्छा तो मैं ये चाहूंगा इतने। अवेयर भाई कि हमारे पास काफी जो ऑडियंस है माशाल्लाह 1 घंटे से हमें सुन रही है, तो मैं चाहूंगा कि उनकी इस कुर्बानी का उनको आप सलाह दें, और आप ऐसे 3 4 5 क्विक आइडियाज बताएं जिस पर काम करके कोई भी बंदा काम स्टार्ट कर सकता है, मेक मनी स्पेशली इन जी दिस जी सिचुएशन। तो अब मैं इसको समराइज कर लेता हूँ, लिस्ट डाउन। सबसे पहली तो अगर आप कुछ पढ़ा सकते हैं तो इट्स दिस इज द बेस्ट टाइम टू टीच ऑनलाइन, और 1-to-1 जाएं, ऑनलाइन जाएं, रिकॉर्डेड वर्जन पे जाएं, कुछ भी कर लें, हर चीज इस वक्त जो है ना वो मार्केट अवेलेबल। ठीक है, नंबर वन। नंबर सेकेंड, अगर आपकी कोई स्किल है टेक्निकल, वेब डिजाइनिंग जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं, और अब तक आप किसी और के पास नौकरी कर रहे थे, तो भाई fiverr.com, upwork.com, peopleparr.com, गूगल पे लिखे फ्रीलांसिंग वेबसाइट बहुत सारी मिल जाएंगी, उन पे थोड़ा सा काम कर लें। फारिग तो बैठे हुए तो वो काम करके उस तरफ चले जाएं। ये तो वो दो लोग हो गए जो के पहला कौन जो टीचिंग या कोचिंग कर सकता है, दूसरा जो टेक्निकल साइड पर है, तीसरा जो बोलता है नहीं मुझे आज भी फिजिकल काम ही करना है। तो उसमें ये है कि इस लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी में दो काम वो कर सकते हैं, या तो प्लान आउट करें कि अब जैसी लॉकडाउन एंड होगा तो किन किन चीजों की डिमांड होगी, वो उन चीजों के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करें, और दूसरा ये कि वो ये देखें कि इस वक्त वो क्या चीज है, क्या सप्लाईज है जो वो लोगों को आराम से डिलीवर जो है ना वो कर सकते हैं। जी, इसमें अगर काम ये कर सकते हैं जो लोग सुन रहे हैं वो ये कि आप अपनी सारी स्किल्स को, चाहे वो टॉप टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको आप एक जगह नोट कर लें, और आप नोट करें कि फिर उनको आप किस तरह मोनिटाइज कर सकते हैं, उनसे आप किस जी, तरह अर्न कर सकते हैं। अब मैं इसका एक 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 प्रोसेस बता देता हूँ, उसको बोलते हैं बर्ड्स इन हैंड। अच्छा, बर्ड्स इन हैंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले आप ये लिखें व्हाट डू आई लाइक, मुझे क्या क्या काम पसंद है, फिर लिखें व्हाट स्किल्स डू आई हैव, जैसे अभी आपने कहा कि मैं क्या 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 स्किल बचपन में कोई सीखी हुई चीज हो, सब चीजें वो लिख लें। एक पेज हो गया व्हाट डू आई लाइक, एक पेज हो गया व्हाट स्किल्स डू आई हैव, और तीसरी चीज हो गई हाउ मेनी पीपल डू आई नो। ठीक है, जितने भी मोबाइल के कॉन्टेक्ट उठाएं, फेसबुक उठाएं, जितने भी लोग हैं उन सबको लिस्ट डाउन कर, लिस्ट डाउन कर लिया। अब आप ये देखें कि इन इन चीजों को मैच करें, भाई जो मुझे पसंद है और मेरी और उसमें मेरी स्किल भी है, दो चीजें मैच हो गई। अब ये जो लिस्ट है लोगों की, हाउ कैन दीज पीपल हेल्प मी टू स्टार्ट अप माई बिजनेस, ठीक है ना, या ये मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं, या ये मेरे साथ पार्टनर बन सकते हैं, या ये मुझे रेफर कर सकते हैं, तो ये देखें। अच्छा, ये आपका जो सोशल सर्कल है ये इतना स्ट्रांग होता है कि आप इसी को सामने रखते हुए इनिशियल बिजनेस जनरेट कर ले। अच्छा, जब आप इनिशियल बिजनेस जनरेट कर लेंगे देन यू कैन गो फॉर फेसबुक एडवर्टाइजिंग और अदर थिंग, जहां से आप चीजों का साइकिल बनाकर उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। इनिशियली आपको चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने परसों आपका सेशन देखा, परसों था गालिब यासिर भाई के साथ, जी परसों था, 2 दिन, 2 दिन पहले था, हाँ 1 2 दिन पहले था जी, 1 2 दिन पहले था। तो मुझे ये आइडिया आया कि मैंने बोला तो दोनों हजरात को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो मैंने आपको भी मैसेज किया और यासिर भाई को मैसेज किया, और फिर आज हम बैठ के सेशन कर रहे हैं। अब ये क्या था, एट द बैक ऑफ माई माइंड आई हैड अ लिस्ट कि मैं किन किन लोगों को जानता हूँ, सही, और फिर सही। मैंने पूछा कि क्या ऐसी चीजें जो हम लोगों के सामने रख सकते हैं इस वक्त, जो लोगों के लोग यानी लोगों को ज्यादा अच्छा हम एक कंटेंट या कोई आइडिया जनरेट करके दे सके। तो मैंने आपसे बात कर ली। अब ये क्या था, इसमें कोई रिसोर्स नहीं लगी, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं लगी, कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम लोगों से लोग बड़े काम आते हैं, और लोगों से जो हमारा नेटवर्क होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में, ठीक है, और लोगों से नेटवर्क बनाया जा सकता है आराम से, ठीक। और मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर डूइंग बिजनेस जस्ट टू मेक मनी, आप लोगों को सर्विस देने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको अगर आप सामने रखेंगे अपने मकसद को, तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके इस मिशन में आपको सपोर्ट भी करेंगे और चीजों को आगे लेकर जाएंगे, बल्कि आपको हाथ पकड़ के सिखाएंगे लोग काम। बिल्कुल, अच्छा इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि यू नो लोगों की क्या क्या प्रॉब्लम्स जो इस वक्त हैं और क्या प्रॉब्लम्स उनको फ्यूचर में होने वाली हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन। यानी कि फॉर जी जी एग्जांपल लेट्स से कि मैं अभी जिम रन करता हूँ, अब जिम तो बंद हो गया आजकल, ठीक है, सही, लेकिन लेकिन मुझे पता है कि बंदे ने एक्सरसाइज तो फिर भी करनी है, ठीक है, तो मैं सही, उसको गाइड तो मैं इसको अभी अभी तो गाइड कर सकता हूँ कि जी ऑनलाइन घर में रहते हुए बंदा किस तरह एक्सरसाइज कर सकता है। इस तरह बिल्कुल बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप बंद हो गई है, लेकिन अब देखिए मेरी मूछें भी पड़ गई है, मुझे नहीं पता उसको अभी जो बाल कटवाने हैं मुझे, अब वो कहाँ से करवाएं, तो उसके लिए आप उसको जो बार्बर्स हैं या बार्बर शॉप वाले हैं उस तरह के ऑनलाइन लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं। तो 500 रुपए का भी कोर्स बेचें, 1000 रुपए का कोर्स खरीदें, कितने हजारों लोग तो खरीदने तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल
बल्कि मैं तो कहूंगा बाबर भाई, अपना उमेर भाई, आपके नेटवर्क पे कोई लोग उनको सजेशन दे इस तरह की। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप भी देखें कि इस सिचुएशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरेट होंगे, नए प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, लोगों का वेट ज्यादा गेन हो जाएगा घर में बैठे बैठे, ठीक है, वो यू नो ज्यादा यू नो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो उस वाले से आप ट्रेंड्स नोट करें कि फ्यूचर में ट्रेंड्स क्या होंगे, ठीक है, क्या प्रोडक्ट और क्या सोल्यूशन अभी इन द फ्यूचर आप ऑफर कर सकते हैं, तो अपनी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी पे भी आप पर नजर रहनी चाहिए करंट के हिसाब से। और जैसे अभी अभी एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लगता है इस रमजान में बड़ी होगी, अगर ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन था, हमारे एक दोस्त ने एक 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 वेबसाइट लॉन्च की है, johnam.com, ठीक है। अच्छा, johnam.com में क्या है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और आपको उनकी वेबसाइट पे जो है ना मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन नजर आएंगे, मेल वार्डरोब के ना, मर्दाना कमीज शलवार, और वहां पे आप पहले डिजाइन सेलेक्ट करें, फिर कपड़ा सेलेक्ट करें, कपड़े के भी ऑप्शन दिए हुए, और फिर उसी में एक वीडियो है जिसमें वो मेजरमेंट टेप से अपने अपना नाप लेना सिखा रहे हैं। तो वो कहते हैं आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए मेजरमेंट टेप से अपना नाप ले लें और वो हमें ऑर्डर में ही लिख दें। अब आप घर बैठे और आपकी पसंद का कपड़ा आपके नाप पर सी कर हम आपको डिलीवर कर देंगे। अच्छा, कंज्यूमर एंड पे बड़ी आसानी हो गई कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मतलब द होल प्रोसेस विल टेक हार्डली 10 मिनट्स 15 मिनट्स। अच्छा, उसके साइड पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी जबरदस्त है, उसने कोई आउटलेट नहीं लिया, अब वो किस जगह पे बैठ के अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, यू डोंट नो, हो सकता है अपने घर में बैठ के कर रहा, हो सकता है उसने कोई लो कॉस्ट एरिया में फैक्ट्री लगाई है, वेबसाइट अच्छी हो। अच्छा, सेकंड क्या, कोई आउटलेट नहीं ली, कोई उसने कपड़े का बड़ा स्टॉक नहीं लिया, कोई उसने जनरलाइज साइजिंग नहीं की हुई चीजों की, तो वो तो ऑर्डर आने के बाद चीजों को प्लेस कर रहा। अच्छा, जब इसने लॉन्च किया था ये पिछले साल, तो जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो मुझे वहां नजर आया कि भाई एक महीने तक के तो इनके पास ऑर्डर्स ऑलरेडी बुक थे। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, इस किस्म की अब ये एक बंदे ने किया है, ये आइडिया इस वक्त एक्सपेंड हो सकता है। अच्छा, एक मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ, जब से ये एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज आ रहा है ना, एक बज वर्ड बना है, तो जिससे सुने वो बोलता है बिजनेस में नए आइडियाज चाहिए, नई चीजें चाहिए, नई चीजें, भाई नहीं चाहिए। अभी आप पहले तो ये देखें कि जो जो आइडियाज हैं वो कितने और आगे लोगों तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट सेल न्यू एंटीक्स, एंटीक चीज एंटीक ही रहती है, आपको ये देखना होता है कि एंटीक के कितने कस्टमर्स और आप बना सकते हैं। सो हाँ, ये बात सही है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए ईज क्रिएट करें, लेकिन कोई नया आइडिया जिसकी लोगों को जरूरत ना हो, या कोई नया आइडिया जो कि सिर्फ एक आइडिया हो, या ऊपर से और कॉम्प्लिकेटेड चीज हो, कंज्यूमर फ्रेंडली ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सेलेबल है। तो हर नया आइडिया सेलेबल नहीं होता, नया आइडिया रिस्की ज्यादा होता है ना, क्योंकि आपने एक आइडिया नया टेस्ट करना है, उस पर आपको मार्केटिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, अपनी मार्केट को तैयार करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, जबकि जो चीज ऑलरेडी बिक रही है उसकी मार्केट रेडी है, तो आपके पास यू नो इससे बनने की कोशिश करेंगे हर जगह पे, तो ये मसला है। अच्छा, अभी अभी जो हम आईबीए में भी जो एक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कर रहे थे, बहुत सारे लोग वहां पर आए थे, वो इस कॉन्सेप्ट पे, इस माइंडसेट के ही थे कि जो है ना नए आइडियाज और रिस्क टेकिंग, हाई रिस्क टेकिंग, भाई नहीं होता। अच्छा, मैं रिस्क टेकिंग की जरा मिसाल बता देता हूँ लोगों को, वो ये है कि भाई एक बंदा है, उसने ना नहर पार करनी है, तीन लोग हैं, उन्होंने नहर पार करनी है, एक बोलता है आर या पार, जंप लगा लेता है, एक बैठा रहता है, और एक स्टिक ढूंढ के जाके नहर की गहराई, भाव, टेम्परेचर सब चेक करता है और फिर डिसाइड करता है कि जंप करना है या नहीं। तो एंटरप्रेन्योर ये तीसरा वाला बंदा होता है, पहला वाला नहीं होता कि वो हर मामले में जंप लगा, और वो तीसरा वाला भी नहीं होता कि जो बैठा है, ठीक है। तो जिन लोगों की 9 to 5 जॉब है, मैं कहीं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप आज छोड़ के कल बिजनेस शुरू कर दें, हर बंदा उस माइंडसेट का नहीं होता, आप ग्रेजुअली जाएं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको ग्रेजुअली इस तरफ लेकर आएंगी। एक एक बुक बड़ी जबरदस्त है, उसका नाम है 10% एंटरप्रेन्योर, वो कहता है आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखते हुए बस 10% टाइम निकाल के जो आपका इंटरेस्ट एरिया उसके ऊपर काम करें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमें लॉकडाउन का पीरियड मिला, इसने बहुत रिफ्लेक्शंस का हमें टाइम दिया, और बहुत सारी चीजें जो सालों से हमने सोची भी होती हैं नहीं कर रहे होते हमें। मैं तो समझता हूँ कि जिनको अल्लाह ने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो डेली वेजर नहीं है और वो थोड़ा बहुत खुद को समझ गया, तो फिर राशन ड्राइव पे निकल जाए, दूसरों की मदद करने पर चले जाए, वरना सोशल मीडिया पे बैठ के जो है ना वो सिर्फ चीजों को शेयर करना और ये पॉलिटिकल चीजों को इस पर अपना टाइम जाया करना बिल्कुल ही बेवकूफी है। ये तो फुल फ्लैश अल्लाह ने आपको 15-20 दिन दे दिए कि आप कर गुजरे। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये क्या कोई भी बिजनेस करें, चाहे ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, नया करें, पुराना करें,
एक टेक्निकल लेवल लोग क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि मेरा आइडिया कितना अच्छा है, मुझे अपने आइडिया से मोहब्बत है इसलिए मैं इसको सेल करूंगा। वो ये और नहीं, वो ये और नहीं करते कि भाई क्या मेरे कस्टमर को ये चीज़ चाहिए भी या नहीं चाहिए, कस्टमर की डिमांड क्या है। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करें कि आप अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत ना करें, कभी भी अपने प्रोडक्ट से मोहब्बत ना करें। प्रोडक्ट आपकी गलत हो सकती है, ऑब्सोलीट हो सकती है, हो सकता है अभी बहुत अच्छी हो, जैसे नोकिया के साथ हुआ था, कहाँ था, कहाँ चले गया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत करते रहे, आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें, उनको सॉल्व करते चले जाए। ठीक है, तो फिर यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, अदरवाइज यू मे फेस लॉट्स ऑफ यू नो लॉस इन योर बिजनेस। और देखें, ये तो एक सिंपल सा बिजनेस फॉर्मूला है, प्रॉब्लम नीड सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये तो लोग कहते हैं ना, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पाकिस्तान में जितने प्रॉब्लम्स हैं, एवरी प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको कन्वर्ट कर सकें और आप उसमें लोगों को बेनिफिट भी दें और आप उसमें अपना हलाल प्रॉफिट भी उसमें अर्न कर सकें। अच्छा, ये एक सिंपल सी चीज है। और अगेन फिर हमारे यहाँ दो एक्सट्रीम्स वही आ जाती है, एक जो है जो बोलते हैं बस पैसा बनाना है तो हर चीज में पैसा बनाना है, और एक वो है जो पैसे बनाने को लोग गुनाह समझ रहे होते। सही बात है। तो मेरे जहन में कितने अरसे तक एरर था, वो तो फिर हमारे टीचर सुलेमान भाई, उन्होंने उनके साथ सेशंस कर करके फिर उन्होंने जो है ना ये पोनी बड़े अरसे बाद उन्होंने जो है ना वो निकाला, वरना तो हमारे कॉन्सेप्ट बनाए बने में गलत किस्म के, भाई पैसा अर्न करना को हमने बुराई समझा। तो अगर आप सर्विस दे रहे हैं और वो सर्विस से आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, तो यू कैन मेक मनी इन दैट। ये क्लोजिंग नोट है मेरा इसके ऊपर। और कोई सवाल वजी भाई? बस इस वाले से अगर कुछ मजीद लोग आपसे जानना चाहें, सीखना चाहें, तो आप उनके वाले से किस तरह उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे कोर्सेज हैं आपकी, कैसी चीज है जिसको आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह? देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मेरा जो कोर्स है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें ये है कि अगर जब भी आप कोर्स में एनरोल्ड होते हैं तो 10 सेशंस हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, ठीक है ना। उसमें रिच माइंड सेट है, रिच माइंड सेट से मुराद के अमीर लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है। फाउंडेशन है फाइनेंस की थोड़ी सी, फिर उसमें एक्सपेंस कंट्रोल कैसे करना है, अगर आप जॉब के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो एक मॉड्यूल उस पर है। स्मॉल स्टार्टअप है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं वो है, रनिंग बिजनेस ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट्स के जाना चाहते हैं, कोई वेलफेयर इदारा चला रहे हैं और उसको मजीद फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं, और इस्लामिक वेज का एक उसमें रखा है कि अल्लाह ताला को साथ रखते हुए और इस्लामिक अहकाम को सामने रखते हुए कैसे हम अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो एक बात जो क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे जब भी लोग पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं ना, लोग समझते या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन लोगों के जहन में गलत है। मेरे नज़दीक फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ये है कि भाई आप कहीं नौकरी करने के मोहताज ना हो, आपकी जो ज़रूरियात हैं वो आपके पर्सनल फाइनेंशियल बैकअप से पूरी हो रही हो, और आप जो भी काम कर रहे हो वो आप किसी वजह के लिए कर रहे हो, किसी विजन के तहत कर रहे हो, ये नहीं कि आप जस्ट पैसे बनाने के लिए वो काम कर रहे हो। अच्छा, कुछ लोगों की फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन ये होती है कि मैं जेब में हाथ डालूं और जितना पैसा मुझे चाहिए वो निकल, या मैं जो भी गाड़ी खरीदना चाहूँ, जो भी घर खरीदना चाहूँ वो भी आ जाए। तो अच्छा, मैं अपने कोर्सेज में या मुझसे ताल्लुक रखने वाले लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि भाई अगर आपकी डेफिनेशन वो वाली है और आप उस डेफिनेशन को सामने रखते हुए मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं, मुझसे आपको लगता है कि कोई फायदा होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं हो सकता। अच्छा, मेरी फाइनेंशियल डेफिनेशन यही है फ्रीडम की कि भाई आप कितने दिन, आपके आज सारे इनकम स्ट्रीम्स रुक जाएं तो आप कितने महीने खुद निकाल सकते हैं और कितने महीने आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं। दैट इज द सिंपल लिटमस टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। तो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें हर इंसान अपने लेवल पे खेल रहा होता है, जिसकी इनकम 20-25 हज़ार है उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन कुछ और होगी, उसके नंबर्स कुछ और होंगे। जो बंदा 2-3 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसके नंबर्स कुछ और होंगे, जो बंदा 25-30 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसके नंबर्स कुछ और होंगे। तो अच्छा, यहाँ पे लोग जजमेंटल बन जाते हैं फौरन, वो समझते हैं यार ये बंदा पर्सनल फाइनेंस पे बात कर रहा है तो इस बंदे के पास जाने के बाद हमें यकीनन जो है ना वो हम करोड़पति बन के निकल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं, पहले फाइनेंशियल बैकअप होगा, बाकी नंबर्स तो अल्लाह ने आपकी किस्मत में जितने रखे हैं वो आपको मिलके रहेंगे, उसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इस वाले से मजीद अगर लोग जानना चाहें तो वो कहाँ पे आ सकते हैं आपको? फेसबुक पे मैसेज कर दें आपको? मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दें, बस मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो वो पहले तो ये फाउंडेशन में वीडियोज होती है, ये वीडियोज के में कुछ एक्टिविटीज होती है, जो इन वीडियोज को सुन के लोग हेलो।
अच्छा मेरे ख्याल में उमेर भाई का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। जब तक उमेर भाई डिस्कनेक्टेड है, मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो इंशाल्लाह आपको काफ़ी उसकी हेल्प मिलेगी। पहला पॉइंट जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जो है, हम NLP में फोकस करते हैं, मैं शुरू में कहा था कि मॉडलिंग पे, वी मॉडल सक्सेसफुल पीपल, ठीक है। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप देखें कि मौजूदा दौर में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी फाइनेंशियली थ्राइव कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी, और आपको इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो इस वक्त भी हजारों लाखों डॉलर जनरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। तो उनको देखिए, उनको ढूंढें, उनसे सीखें, उनको मॉडल करें। और ये भी देखिए कि जब हम बात करते हैं इमोशनल स्टेट की, कि इस वक्त कौन से ऐसे लोग हैं जो इस सिचुएशन में रहते हुए भी दे आर इमोशनली वेरी पॉजिटिव, ठीक है। उनको आप मॉडल करें, उनसे देखें, उनसे उनकी बातों को सुने, किस तरह से सोच रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या है, उनके बिहेवियर्स क्या है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, उस चीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो दूसरी चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा क्विकली, वो ये कि प्लीज़ आप न्यूज़ को अवॉइड करें, ठीक है। जैसे मैंने थोड़े दिनों पहले फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जंक डिस्टेंस है, ठीक है। जंक डिस्टेंसिंग से मेरी क्या मुराद है कि हम जंक न्यूज़ को, जंक स्टैट्स को, जंक डाटा को, जंक फूड को, इन सबको अवॉइड करें, क्योंकि जितना जंक हमारे पेट में जाते हैं हमारा पेट खराब हो जाता है, इधर अगर हम जंक को यहाँ पे जाने दे रहे हैं तो उससे भी हमारा मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। हमारी सोच पे उसका असर पड़ता है। तो मेक श्योर कि बिला वजह आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि इटली में कितने लोग मरे आज, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि US में क्या हो रहा है, ठीक है। आपने उस पर फोकस करना है कि जो आप कर सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हम अक्सर गलती क्या करते हैं, हमें दो एक्सट्रीम मिलती है अक्सर, हम ये गलती ये करते हैं कि कभी कभार हम उन चीज़ों के बारे में टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पे अमेरिका में लोग मर रहे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकते इस हवाले से, ठीक है। और ये करते हुए बाद लोग क्या करते हैं कि जो इनके अख्तियार में है वो उस पर उनका तवज्जो नहीं जाती, वो क्या कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें कि आप उन चीज़ों के बारे में स्ट्रेस न लें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बल्कि आप फोकस ये करें कि इस सिचुएशन में रहते हुए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उमर भाई, खाली आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अगर कंक्लूडिंग कुछ रिमार्क देना चाहें तो आप क्या बोलेंगे। साहब जब ढाका का बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा कि ना कर सके उसके बारे में बात नहीं है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। अच्छा मैं आता हूँ वापस अपनी बात पे। तो उसमें ये होता है कि जब वो आप वीडियोस देख के एक्टिविटीज करके हमसे शेयर कर लेते हैं, तो फिर 1-to-1 कोचिंग प्रोसेस चला शुरू। जितने अरसे तक आप है ना, वो वीकली बेसिस पे आप अपने ना चीजें हमसे यहाँ तक पहुंचा होती है आप, तो ये सिंपल सा उसका प्रोसेस है। और मैं रिपीट करूंगा कि सब हमारी सबसे बड़ा जो टेस्ट है। अच्छा एक एक मैं आपके से एक मैंने ना टेस्ट बनाया, पर्सनल फाइनेंस टेस्ट। मैं उसका लिंक नीचे कमेंट्स में शेयर कर देता हूँ, तो एक जरूर दफा देख लें कि इस जी, आप फाइनेंशियली उन सवालों से खुद एक अंदाजा हो जाएगा हमें कि हम लोग इस पर किस लेवल पे खड़े हैं। बिल्कुल आप कमेंट्स में शेयर कर दें ताकि फिर उसको लोग देख ठीक के है। उसको फिल कर सके और उनको उसके वाले से आइडिया हो सके, ठीक है। उसको आप टाइप कर दें। तो जो भी लोग हैं वो जो भी लोग हैं वो इस चीज़ इसको परसू करने में इंटरेस्टेड है, उसको सर्वे को फिल कर सकते हैं, एंड देन दे कैन इवेलुएट एंड कॉन्टेक्ट उमेर इफ दे वॉन्ट टू। तल्ला अंसारी पूछ रहे कि इंटरनेट बैंडविड्थ का नेट पाकिस्तान में इशू है या कैसे होगा, अच्छा तो मैं तल्ला बिल्कुल भी इशू नहीं। जी नहीं, आप सवाल ले जी, रहे मैं हाँ मैं तलब ही जवाब ले करता कि नेट का पाकिस्तान में हो सकता है कुछ जगहों पे इशू हो, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे नेट अवेलेबल होता है इफ़ यू फाइंड अपॉर्चुनिटीज। जिस तरह अभी भी आप बैठे हैं, हम बैठे हैं यहाँ पे, आप करना चाहे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है। दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज टू अवॉइड डूइंग थिंग्स दैट वी शुड बी डूइंग। जी मेरा कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आपके कोर्सेज के बारे में जानना चाहे तो वो भी आप, क्योंकि NLP पाकिस्तान में अभी भी इतना कॉमन वर्ड नहीं है ना, बहुत से लोग नहीं जानते, तो अगर कोई ज्यादा जानना है तो शेयर कर दें कमेंट्स जी में। अच्छा हाँ, सो NLP के हवाले से हमारा मैंने फ्री वेबिनार भी कराया था, तो अगर कोई करना चाह रहे हो फ्री वेबिनार तो वो कर सकता है। उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपको, 2 घंटे का फ्री ट्रेनिंग है NLP की, जो करंट सिचुएशन के हवाले से, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पे ये लिंक नज़र आ रहा है, आप सिंपली यहाँ पे चले जाएँ wajiduddin.com/free पे,
यहाँ पे आप चले जाएं, फ्री ट्रेनिंग है 2 घंटे की, आराम से आप देखें, इसमें आपको बहुत से इंशाल्लाह पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं करंट लॉकडाउन में रहते हुए। इसके साथ साथ जो लोग सीरियसली एनएलपी को सीखना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने बिहेवियर्स को, अपने अपने माइंड को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं, अपनी मुख्तलिफ स्किल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपनी हैबिट्स से जो बुरी हैबिट्स उनसे जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है एनएलपी का वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 10 मार्च से इंशाल्लाह, सॉरी 10 अप्रैल से, यानी कि कमिंग फ्राइडे से। तो उसके भी मैंने लिंक यहाँ पे शो कर दिया है, wajuddin.com/nlp-online, यहाँ पे आप चले जाएँ तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो आई थिंक ऑलमोस्ट हमें 1.5 घंटा हो गया, तो वी हैव डिस्कवर्ड कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हम आज करना चाह रहे थे। लास्ट में अगर एक दो जुमले अगर आप कुछ कहना चाहें हमें बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन। अभी रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो है ना वो मसला होगा, एहतियात जरूर करें लेकिन जो है ना वो डरे नहीं, उसकी तरफ जाना जो है ना बिल्कुल एहतियात, और मैं ना वो शादी बिल्कुल ऐसे ये बस गुजर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रिकॉशंस अपनी जरूर लें लेकिन साथ साथ भी स्टे पॉजिटिव, बी फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटीज, तो इंशाल्लाह हम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सो ऑन दैट नोट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उमेर भाई का कि आपने आज ज्वाइन किया अपने टाइम में से, यू नो हमारे लिए भी टाइम निकाला, और आप तमाम हजरात का जो ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में इस रिप्ले को देखेंगे, तो हमारे फेसबुक पे आप मजीद हमसे कमेंट्स में नीचे सवाल पूछ सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वी बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू एंड असिस्ट यू एज मच एज वी कैन। सो जज़ाकअल्लाह खैर, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे सेशन होते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर सवाल हों तो वो भी अपने कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू मेरे भाई, जज़ाकअल्लाह खैर।